शुगर के से चार एकड़ से मैं साल का दो लाख रुपए कमाता हूँ तो एक करोड़ की सब्सिडी वहाँ से आ गई थी यहाँ से बचा लिए थे पैसे तो लगभग डेढ़ साल में तो प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होना भी शुरू हो गई थी हमारी। अच्छा। बिजनेस करना है तो रोटी कपड़ा मकान मतलब फूड क्लोथिंग शेल्टर एजुकेशन इसमें अगर बिजनेस करोगे तो आप लॉन्ग टर्म चलोगे अब रोटी समझ में आती थी कपड़ा और मकान समझ में ही आते हैं थे क्योंकि सीखा ही नहीं था हमने 250 एकर्स ऑफ लैंड फल्टन सातारा में लीज पे लिया 250 एकर्स हाँ जीरो नॉलेज थी पता नहीं क्या करना था बट तब लिया था बट तब पता ही था ढाई सौ का गन्ना तो उगा सकेंगे डे वन जीरो से शुरू किया था हमने एंड इंसेंटली सात दिन तक प्रोड्यूस गया सातवें दिन पेमेंट भी आया एंड आठवें दिन लग गया लॉकडाउन उसको कोविड नहीं लगता है वो चल रहा था अपने स्पीड पे वो अपना ग्रोथ प्रोडक्शन सब कुछ दे रहा था करेक्ट तीन दिन बीत गए वो फार्म से फोन आया जा रहा है सर प्रोड्यूस और निकल रहा है क्या करूँ आई रिमेम्बर आई सोल्ड कुकुम्बर एट सेवन रुपीज चीज समझ में आ गई थी कि अगर हाइड्रोफोनिक करना है तो वो एक एकड़ दो एकड़ से नहीं होगा वो दस एकड़ मिनिमम करना पड़ेगा क्यों ये क्यों बोलते हैं अगर आप एक एकड़ दो एकड़ से करते हो ना आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कभी आएगा ही नहीं दस एकड़ के लिए आपने काफी फंड जमा किया अभी ये जो नए लोग आ रहे हैं उनके पास वो फंड नहीं है सो so, आप कभी नहीं सक्सीड कर पाओगे मतलब मेरा को रेगुलर बिजनेस चल रहा है ये साइड में चलता रहेगा भूल जाओ मत डालो पैसे बर्बाद होने वाले आपको अपने पैर मिट्टी में गंदे करने पड़ेंगे पक मार्केट भी कम पड़ जाए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में तो मतलब इंसान या तो बर्बाद हो सकता है या तो आबाद हो सकता नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में ऑन एग्री टॉक कहते हैं इंसान या तो जीतता है या फिर सीखता है हमारे आज के मेहमान ने खेती को जीरो से सीखा है गलती कर करके और सुधार कर करके एक अच्छे सैलरी वाली बैंकिंग नौकरी को छोड़कर उन्होंने खेती को क्यों चुना और न सिर्फ चुना बल्कि भारत के सबसे बड़े हाइड्रोपोनिक फार्म में से एक को खड़ा भी किया आज के एपिसोड में हमने बात की है मिस्टर संकेत मेहता से जो कि है को फाउंडर ऑफ़ द कंपनी न्यूट्री फ्रेश भारत के सबसे बड़े हाइड्रोपोनिक फार्म में से एक न्यूट्री फ्रेश का हाइड्रोपोनिक फार्म 44 एकड़ से भी ज्यादा में है और ये 42 से भी ज्यादा किस्म के सब्जियां उगाते हैं उन्होंने 180 से भी ज्यादा बिजनेस पार्टनरशिप बनाए हैं जैसे कि मैकडोनल्ड्स बिग बाज़ार और गोदरेज और ये डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी फ्रेश रेसिड्यू फ्री फूड उनके डोर स्टेप तक देते हैं आज के एपिसोड में हमने इनके जर्नी के बारे में बहुत ही प्यारा कॉन्वर्जेसन किया है और इनके सक्सेस के पीछे के कई सारे राज निकाले हैं एपिसोड को सुनिए देखिए और सीखिए और इम्प्लीमेंट भी कीजिए मैं चाहता हूँ कि ना ना सिर्फ आप ये एपिसोड सुने पर इनसे कुछ सीखें और अपनी खेती और अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं प्रजेंटिंग टू यू मिस्टर संकेत मेहता ऑन एग्री टॉक संकेत भाई नमस्ते कैसे हैं आप एकदम बढ़िया आप बताइए एकदम फर्स्ट क्लास वेलकम टू एग्री टॉक वेलकम टू बैंगलोर थैंक यू थैंक यू सो मच क्या चल रहा है आपके लाइफ में व्हाट्स गोइंग ऑन फिलहाल काम चल रहा है ऑफ कोर्स तो उसके बिना तो बस पॉसिबल ही नहीं है एंड एक्चुअली uh, क्या हुआ है कि पहले बहुत भागा के uh, हिसाब से काम करते थे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की तरह नहीं था बट

एज ऑफ़ द टाइम मतलब जब आप चौबीस पच्चीस साल के होते हो आप में एनर्जी दो गुनी होती है एक पैंतीस साल के बंदे से जब आप 35 साल के होते हो तो आपके पास एनर्जी दो गुनी होती है फोर्टी फाइव ईयर के बंदे Correct. के हिसाब से सो बाई द एज आपको उस टाइम पे वो चीज कर लेनी चाहिए अगर आप चौबीस पच्चीस साल के हो स्टार्टअप करने के मूड में हो आप दिन के बारह बारह घंटे अठारह घंटे काम कर सकते हो गो फॉर इट

आपके बारे में मैं काफ़ी सुना सुनाऊँ कि बैंकिंग बैंकिंग और जैसे इंडस्ट्री में वहाँ एक स्टेबल जॉब छोड़ के आप एग्रीकल्चर में आए यू you नो know, बहुत सारे लोग जो हमें अप्रोच करते हैं मुझसे बात करते हैं वो कहते हैं कि यार मुझे एग्रीकल्चर करना है लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा है समझ नहीं पा रहा हूँ आपने वो हिम्मत कैसे पाया और एग्रीकल्चर क्यों चूज़ किया आपने सी एग्रीकल्चर सामने से नहीं आया था हुआ यह था कि एक बॉम्बे टिपिकल बॉम्बे का गाय का लाइफ होता है कि एक बीटेक किया बी टे के बाद एक एम किया एम के बाद एक अच्छी सी जॉब मिल जाए मेरी जॉब मिली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में स्केल टू मैनेजर क्रेडिट मेरी पोस्टिंग थी सबसे पहली पूना में तो जब आप क्रेडिट में होते हो तो आपके पास जो प्रपोजल आते हैं वो जनरली एग्री रिलेटेड आते हैं क्योंकि पूना इज द हब फॉर एग्रीकल्चर महाराष्ट्र महाराष्ट्र एंड पूना, yes, पूना yes. यहाँ पे एग्रीकल्चर का हब था सो प्रपोजल जो आते थे वो शुगर डेयरी पोल्ट्री या फिर कोजन रियल एक्चुअल एग्रीकल्चर कैटल फार्मिंग ये सारे प्रपोजल्स आते थे सो कब क्या होता है आपको हर बार जब प्रपोजल बनाना होता है यू हैव टू गेट इन टू द प्रपोजल की बिजनेस रन कैसे होता है क्या होती है इसमें छोटी छोटी चीजें प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आती है आप प्रमोटर से डायरेक्ट बात कर सकते हो इंटर एज अ बैंकर आप कर सकते हो यू हैव द लिबर्टी टू डू दैट सो जब मैं प्रपोजल बनाता तो आई थॉट एग्रीकल्चर में इतना पोटेंशियल है बट फिर भी उसको पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया तो मैं लोन के माध्यम से ये कर सकता हूँ दैट वॉज माई फर्स्ट अप्रोच अच्छा तब मैं मेरे पार्टनर से मिला मेरा पार्टनर गणेश निकम है एंड पूना बेस्ड है बी एस केमिस्ट्री किया था फिर उसके बाद एम बी ए फाइनेंस किया सी एफ ए लेल टू क्लियर किया उन्होंने फ्रॉम यूएसए एंड देन ही वॉज वर्किंग एज कंसल्टेंसी फर्म जहाँ पे वो डेट सिंडिकेशन का काम करते थे

बॉम्बे में रहने वाले बंदे को ये नहीं पता होता कि गाय दूध कितनी बार देती है नहीं, हम तो नहीं। ये सोर्स है जब फाइनेंस बनाते हैं भाई दिन में दस लीटर इन थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन दिस मच हम amount. ऐसे बना लेते yes. हैं तब गणेश बोला करता था कि यार ऐसे नहीं होता है वो जब बच्चा करती है तब उसके दूध आता है फिर नौ महीने फिर एक पीक आता है फिर नीचे जाता है सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स गणेश टू टीच मी जो कोर एग्रीकल्चर था बिकॉज उसके फादर जो थे फादर जो है वो एग्रीकल्चर में ही है सो so, उसने वो बचपन से एग्रीकल्चर देखा हुआ है कि किस तरीके से एक सर्कुलर एग्रीकल्चर इकोनॉमी चलती है एंड दिस इज हाउ वी यूज टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर चूंकि हम दोनों बैचलर्स थे तो पूना मेरे लिए नया शहर था तो वैसे भी बैंक में शाम को सात बजे के बाद तो प्यून भी आपको धक्के मार के बाहर निकाल देता है क्या बैंकिंग का लाइफ स्टाइल आप बिगाड़ो मत ऐसे बैंकिंग लाइफ तो शाम को हम लोग घूमने चलते थे बहुत जगह जाते थे अब होता क्या था कि जैसे जैसे प्रपोजल बढ़ने लगे मेरी क्वेरीज भी थोड़ी सी एडवांस होने लग गई पहले तो छोटे छोटे तो सवाल थे जो आंसर वो खुद कर पा रहा था जब बड़े होने लगे तब के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसी क्यों होती है लोग मतलब जो अपना गन्ना उगाते हैं या ये उगाते हैं वहां पे जाके रेट क्यों पता चलता है हुँ. यार व्हाट्सएप पे जैसे उस टाइम बीबीएम था बीबीएम पे रेट तो पता चल जाता है तो मार्केट में रेट है या नहीं यहाँ से पता कर लो कब की उस, बात है

तीन सवाल के जवाब तो बहुत अच्छे से दिए उन्होंने चौथे सवाल में बोल दिया इतना ही बेटा अगर जानना है तो जाओ खुद एग्रीकल्चर कर लो कर लो तो मतलब बोलते ना वो पच्चीस साल वाला क्रेजीनेस जो होता है हम लोग बोलते कैसे चलो करते करते मतलब पता पता कुछ कुछ नहीं नहीं होता होता कैसा है, है क्या बस चलो बोला आप कितना कमा लेते हैं उसमें से तो बोला मैं दो लाख रुपए कमाता हूँ साल का अच्छा शुगर केन से शुगर केन से चार एकड़ से मैं साल का दो लाख रुपए कमाता हूँ तो तब तक तो सैलरी से और एक लाख तो मैंने जमा कर लिया था गणेश को भी इसमें रोपिन क्या चल चल साथ में करते हम लोग तो हमने एक लाख उसने और एक लाख मैंने ये इन्वेस्टमेंट हमने किया और उनके पिताजी को दे दिया बोला हमें जो करना है अभी करने दो अच्छा तो ठीक है आप कर लो पिताजी पिताजी को को भी पैसा दे दिया आपने पिता, उनके उन्होंने लाख तो हमारी वैसे दो लाख नहीं कमाएंगे अच्छा तो आप उनके लिए खेती करने वाले थे तो हम खुद के लिए खेती कर, जो करना था हम करते थे समझ गया अंडरस्टैंड आप अपनी इनकम रख लीजिए हम अपना जो करना है देख लेंगे अब होता क्या था हर्ड मेंटालिटी बाजू वाले शुगर केन कर रहे तो हम भी शुगर केन करेंगे महाराष्ट्र में बहुत महाराष्ट्र में शुगर केन ही फेमस है तो हमने बाजू वाले से सीख के अब uh, अड़साली क्या होता है शानशी कौन सी वेराइटी का शुगर केन करना चाहिए hmm. कैसे पानी के प्रॉब्लम सोल्व करते हैं uh, तब आप ऐसा जॉब छोड़ दिया था नहीं मैं जॉब के साथ सैटरडे संडे वहाँ पे जाता था समझता बार? था सीखता hmm. था कैसे करते हैं अब मुझे पता था जब मैंने स्कूल में पढ़ा था देर वॉज अ ड्रिप इरीगेशन राइट right. वाला गन्ने में ड्रिप इरीगेशन क्यों नहीं यूज कर सकते बोला नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होता है नहीं जमता है बोला पानी देते कैसे है तो बोलते हैं वो तो पानी छोड़ देते हैं मतलब छोड़ देते हैं मतलब बोलते हैं हम लोग जगह बनाते हैं सरी बनाते हैं सरी मतलब पाथ बनाते हैं पानी yes. का आप यहाँ से पानी छोड़ दो फ्लड मैकेनिज्म से पानी देते थे Flood, yes. बोला इसमें तो पानी बहुत वेस्ट हो सकता है hmm. बीच में बीच में तो पानी भी नहीं मिल सकता है बोला हम तो ऐसे ही करते हैं हमारे सब तो मैंने ऑनलाइन जाके पढ़ा था तो ऑनलाइन लोग एक्चुअली ड्रिप इरिगेशन यूज करते थे उनके ईल्ड बड़े थे प्रोडक्शन काफी अच्छा आता था पानी बचेगा पानी बचता था पानी का यूज कम होता था ये सारी चीज मैंने पढ़ी थी ऑनलाइन तो गणेश कोला चल इन्वेस्ट करते हैं लेटेस्ट डू दिस थिंग तो हमने वो शुगर केन के खेती में पहली बार ड्रिप इरीगेशन डाला अच्छा। तो आसपास के लोगों ने तो हमारी काउंटिंग uh, मतलब पागलों में की कि ये लोग क्या कर रहे हैं नए नए आए नया खून है दो चार बार करेंगे फिर चले जाएंगे टाइम पास कर रहे हैं लोग तो पैशन प्रोजेक्ट की तरह चालू किया था कटिंग शॉट uh, जब एवरेज यील्ड जो वहाँ पे खेती में आती है वो 45 टू फिफ्टी टन आती है हमको फर्स्ट ईयर में एटी टन पर एकर आई

तब तो लगता था हम ही किंग है हमें ही सब कुछ आता है ये तो हमने कर लिया तो इतना तो कर लिया आप तो और भी बड़ा कर लेंगे तो बोला चल अब एक काम करते हैं चार एकड़ ही खेती है अभी और दस एकड़ ही खेती भाड़े पे लेते हैं हम ये करते हैं वो करते हैं करें। गन्ना करेंगे ये हमारा थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे बट तब हमारा जे आई बी सी आई बी ये सब क्लियर हुआ बैंकिंग में मेरा बैंक चल रहा था साथ साथ तो तो आ गया तीन साल खत्म हो गया मुझे बैंकिंग में दो हजार पंद्रह चौदह पंद्रह की बारी आ गई एंड हो गया प्रमोशन ट्रांसफर अगर अच्छा। आप प्रमोशन लेना है तो ट्रांसफर कंपलसरी आपको ओ, तो आप खेत से दूर सो so, मेरा नॉर्थ ईस्ट में सीधा पोस्टिंग हुआ था एंड स्केल एज अ ब्रांच मैनेजर पोजीशन तो बढ़ रही थी mm. बट पूना छोड़ना पड़ता था एंड मैं सोचा था बॉम्बे का रहने वाला मुझे पूना स्लो लगता था mm. और वहां से अगर मैं नॉर्थ ईस्ट चले जाऊँ तो तो मैं जिंदा ही नहीं रह ऐसा हो जाता था बहुत सोचा मैंने और गणेश ने बात किया क्या कर सकते बोला देख खेती तो आती है थोड़ी बैंकिंग आता है

बट नॉट फॉर लॉन्ग मतलब गुजराती फैमिली से आता पहले से सोच के रखा था कि करना, है। ही करना, है, ही करना है जो भी करो हुँ. अपने एक्सपीरियंस के लिए आपको जो करना है कर लीजिए इनफैक्ट मेरे घर से ज्यादा गणेश के घर पे ज्यादा चिल्लाया उसको कि उस लड़के को गवर्नमेंट जॉब मिली थी उस, गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़वा रहा है उसको क्यों ले लिया तो उसको क्यों ले लिया क्योंकि वो फैमिली है उनके यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है उसको बाहर क्यों निकाला वहां से hmm. उसका खाना पीना कैसे करेगा ये कैसे करेगा तब उसके हिसाब से चिल, आ था, मेरे डैड तो <laughs> हाँ। hmm. तो का सपोर्ट बहुत ज्यादा था उसमें nice. डैड को कुछ नहीं समझता था एग्रीकल्चर में बट ठीक है वो सुनते थे बैठ के तुझे कॉन्फिडेंस है बोला हाँ मुझे आगे बढ़ो सो दैट वॉज मोर कॉन्फेंटिंग करके, का भाई, दूर का भाई मिला वो आया था कि मुझे दो एकड़ ऑर्किड करना है अच्छा मतलब क्यों करना है ऑर्किड तो बोलते मेरी शादी नहीं हो रही है जब तक बिजनेस नहीं होगा तो ऑर्किड बड़ा फैसिलिटी नहीं खड़ा करूंगा तब तक शादी नहीं होगी मेरी बोला ठीक है तो ऑर्किड का पूरा बिजनेस प्लान समझा कैसे होता है क्या होता है पूरा बिजनेस प्लान समझा ऐसे उगाएंगे यहाँ बेचेंगे ये यह करेंगे वो करेंगे तब तो ये पता भी नहीं था कि ऑर्किड दिखते कैसे मतलब कौन से टाइप के ऑर्किड करना है सीधा कूद गया फिर नहीं फिर समझा फिर हम लोग तो फाइनेंसिंग साइड पे थे मैं फाइनेंस करने के लिए बैठा था कि मैं बैंक से उसको फाइनेंस करवा के दूंगा एंड मैंने वो ऑर्किड का प्रोजेक्ट देखा पूना में एक जन ने छोटा सा एक प्रोजेक्ट किया हुआ था तो तब लगा कि यार इस बंदे के साथ ये प्रोजेक्ट में अभी हाथ कर एग्रीकल्चर में करना तो है कुछ hmm. एक काम करते हैं तो दो एकर नहीं चार एकड़ की फंडिंग लाते हैं पैसा लाने की जवाबदारी मेरी hmm. वो सब मैं मेरे सिर पर लेता हूँ तू ऑपरेट कर मैं चार अच्छा तो ही वॉज ऑल्सो हैप्पी दो एकड़ का सोच के गया था चार एकड़ होगा लोन hmm. का बर्डन ये लोग संभालेंगे एंड hmm. गणेश को बोल दिया यार इसमें सब्सिडी भी मिलती है गणेश तू सब्सिडी पे लग जा मैं फाइनेंसिंग पे लग जाता हूँ योगेश वहां पे ऑन फील्ड ऑपरेशन पे लग जाएगा हम लोग तीनों ने छोटी सी कंपनी फॉर्म की एंड वी स्टार्टेड अच्छा एंड फ्रॉम दैट टाइम 2014-15 आर जर्नी इन एग्रीकल्चर एक्चुअली स्टार्टेड पैशन प्रोजेक्ट पाशन था पाशन उसके पहले से, से किया mm. था बट जो फॉर्मल इनकॉर्पोरेशन 2014 15 एंड वी स्टार्टेड विदोरील्चर रोजेस जरबेरा और ऑर्किड mm. ये तीनों उगाए थे रोजेस जरबेरा चूंकि फाइनेंशियल नॉलेज था अंडरस्टैंड तो रोजेस जरबेरा आपको रेगुलर इनकम देता रहेगा फ्रॉम थर्ड फोर्थ मंथ ऑर्किड्स hmm. को टाइम लगेगा डेढ़ साल तक तो फाइनेंशियल बैलेंस संभालने के लिए आपको रोजेस जरबेरा फोर्टी परसेंट करो सिक्सटी परसेंट में ऑर्किड करो तो, कर। तो आपके कर। खर्चे निकलते रहेंगे आप घर पर कुछ नहीं लेके जाओगे बट वहीं का वहीं रोटेट hmm. होते रहेगा तो ये सब मुझे फाइनेंशियल नॉलेज ने दिया था कि हमने उस तरीके से फोर्टी सिक्सटी का रेशियो किया हम ऑर्किड्स बाहर से लेके आए उसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी है

प्रॉब्लम यह हुआ कि इतना खर्चा अगर कर रहे हैं डेढ़ करोड़ का खर्चा कर रहे हैं तो एटलीस्ट फैसिलिटी देख के तो आए कि नहीं, कैसा नहीं। है क्या करते हैं कहाँ से लाते हैं ऑर्किड कैसे करते हैं इंसिडेंटली हम वहाँ गए थे एंड अगर आपको पता हो तो ऑर्किड का तभी शिपमेंट आया हुआ था और आपको पता हो तो जब भी कोई शिपमेंट आता है बाहर से तो उसमें एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों का नाम नंबर ई मेल सब कुछ लिखा रहता है हमने वो क्लिक कर लिया वहाँ फ़ोटो और सीधा एक्सपोर्टर से वहाँ के एक्सपोर्टर से थाईलैंड के एक्सपोर्टर से बात किया कि हमें ऑर्किड चाहिए आपसे बोलते आपको कौन हो कहाँ से नंबर मिला हमने बोला ऐसे ऐसे गए थे हमने सच बताया कि हमको ऐसे नंबर मिले तो बोला ठीक है बट मेरा टाइप उस कंपनी के साथ है मैं उसके आगे बेच नहीं सकता बेच नहीं सकता हमने बोला हम फाइनल कंज्यूमर है हम ट्रेडिंग नहीं करते हम फार्मर है तो भरोसा नहीं आया बोलते पहले आपका फील्ड दिखाओ कि आप कर रहे हो तो वैसे भी कंस्ट्रक्शन काम चालू ही था हमारा तो हमने उसको बता दिया सेड आपको कोई ऐसी कुछ है कि मेरे कंपनी से ही चाहिए मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है hmm. बोला मतलब मेरे दोस्त के कंपनी से भेजता हूँ hmm. मतलब मुझे कोई नहीं। आपका एक दे hmm. तक का कितना खर्चा लगेगा hmm, hmm, hmm. मुंबई थे एक वही बंदा दे रहा था क्या बात कर रहे लगा फिर कितना प्रॉफिट जा रहा है इसके पीछे मतलब मिडिल मैन कितना प्रॉफिट कमा रहा है पहले तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ बोला ये बंदा अपने को पागल बना रहा है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है सो so, मैंने योगेश को बोला एक काम कर तू वहां जा अगर तुझे वो बंदा ठीक लगा और किट सामने दिखे तो जिस टाइम पे वो लोडिंग करेगा मैं पैसा ट्रांसफर करूंगा तू फ्लाइट से आना वो शिप से इधर फ्लाइट दूसरे फ्लाइट से आ जाएगा पूरा आपने एंश्योर कर लिया कि सही है। यही करना है अब बंदे को वहां भेजा योगेश फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर जा रहा था थाईलैंड पहली बार तो पासपोर्ट बनाया और थाईलैंड गया वहां पर अब हुआ क्या जाके आया बंदा सही लगा कि चलो ठीक है काम कर सकते हैं पर उसने बोला कि मुझे महीना लगेगा एक महीने बाद में शिपमेंट करूंगा तभी एडवांस दीजिए तो मैंने उसको बोला वापस आ जा तो अभी दो दिन थाईलैंड गया था घूमने गया तो वो ऑर्किड के ओनर के साथ उसने फोटो वोटो खींच ली और फेसबुक पे अपलोड करी क्योंकि पहली बार जा रहा है अब वो कंपनी के लोग फेसबुक पे देख लिया उन्होंने उन्होंने देख लिया कि आप वहां तक पहुंचे कैसे तो योगेश बोला अभी जवाब क्या दो मतलब अभी देख पता तो चल गया अभी आने दे उनको लेटेस्ट टॉक ऑन द टेबल हमने बोला देखो आप क्या प्राइस पे बाय कर रहे हो हमें पता है आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो हमें पता है hmm. किससे ले रहे हो वो पता है अब बार्गेन करते कितने में बेचोगे यू यूट बिलीव ही एक्चुअली सोल्ड सोल्डर एट ट्वेंटी फाइव रुपीज वो तो नहीं पकड़ा गया बेचारा जो तो पहले बताया वो उसकी के, उसी के थ्रू ले रहे हैं hmm. तो एक्चुअली में ट्वेंटी फाइव में देना पड़ा उसको wow. क्योंकि एक्चुअल प्राइस पता चल गई थी एंड वी वर वन ऑफ द बिगेस्ट एट दैट टाइम ऑर्किड के, के महाराष्ट्र में बनाने वाले पहले लोग थे

एक करोड़ की सब्सिडी कैसे मिली थी उस समय आ, दो करोड़ का ओवरऑल प्रोजेक्ट था सब्सिडी थी उसके अंदर फ्लावर और के लिए सब्सिडी थी अवेलेबल अच्छा तो उस तरीके से हमने सब्सिडी ली वहाँ पर हमने छोटे छोटे पॉली हाउस बनाए थे आधे आधे एक के अच्छा सात अलग अलग नामों में तो हर आधे आधे एक को सब्सिडी मिलती है समझ गया सर जैसे आपने बोला सात समझ गया तो दिस इज हाउ वी गॉट द सब्सिडी वहाँ पर

आपका फ्यूचर रिमेन सो फाउंडिंग मेंबर जो टीम बोलता ना, हम टीम हम की तरह थे सारे सारे के सारे। तो अब अब ये था कि भरोसा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो बंदा काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है एंड दैट वाज़ द मोस्ट पार्ट कि हम तीनों में आपस में भरोसे थे एक दूसरे के लिए कि अगर संकेत फाइनेंसिंग करेगा तो ढंग से करेगा योगेश ऑपरेशन करेगा तो ढंग से करेगा गणेश सब्सिडी करेगा तो ढंग से ही करेगा तो ये हम एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर पहले दिन से हमने रखा था कि हम ट्रस्ट तो रखना ही रखना है एक दूसरे के ऊपर फ्लावर हुआ बट फ्लावर में क्या हुआ था हम सोचते थे कि एक पॉइंट पे जाके ना ये आप मल्टीपल फोल्ड ग्रोथ नहीं कर पाओगे फ्लावर्स में क्यों फ्लावर जस्ट एसेंशियल बोल सकता हूँ सो so, जो भी है मतलब बिजनेस करना है तो रोटी कपड़ा मकान मतलब फूड क्लोदिंग शेल्टर एजुकेशन इसमें अगर बिजनेस करोगे तो आप लॉन्ग टर्म चलोगे हुँ, हुँ, हुँ. अब रोटी समझ में आती थी कपड़ा और मकान समझ में ही आते हैं थे क्योंकि सीखा ही नहीं था सही बात है सो so, बच्चा रोटी उसके ऊपर फोकस करते हैं अभी फूड में क्या करे कैसे उगाए क्या करे तो जब लोगों को आप, आप जब एग्रीकल्चर में होते हो तो आप लोग भी एग्रीकल्चर जैसे मिलते हो आस पास क्या आप एग्रीकल्चर के लोग पता चलते हैं कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है तब तो पता चला वन ऑफ माई फ्रेंड इज एक्चुअली हैव टेकन लार्ज पार्सल ऑफ लैंड ऑन लीज फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट टेन ईयर लीज तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लीज पे जमीन दे रही थी एग्रीकल्चर करने के लिए सिर्फ कॉपोट्स को okay. तो ऐसा मैंने दोस्त से पता चला तो जब हमने पता किया कहाँ से मिलता है क्या मिलता है तो पुणे में ही उसकी हेड ऑफिस थी हम जाके बैठ गए कलेक्टर सर के सामने कि हमें जगह चाहिए कैसे मिल सकता है तो उन्होंने पूरा समझाया ऑप्शन प्रोसेस होता है तीन साल की बैलेंस शीट चाहिए टेक्निकल नो हाउ क्या होना चाहिए उसके पीछे ये सब हमारे पास थी ऑलरेडी और हमने अप्लाई किया और हमने टू एकर्स ऑफ लैंड फल्टन सातारा में लीज पे लिया

अभी भी आपको साथ में बिजनेस चल रहा था जो गणेश जी के साथ वो तो फाइनेंसिंग का बिजनेस साइड बाई सा तो छह लो <laughs> तो लोग की की टीम थी। योगेश था जो फोटीकल्चर संभाल रहा था तो मेरे पास एक और ऑपरेशंस के लिए टाइम था कि जैसे मैंने बोला ना आपके जब टाइम हो जाए था आप कर लीजिए तो तब हमने वो 250 एकर्स लैंड लीज पे ली अब थोड़ा बहुत ये था कि गन्ना तो करना ही है बिकॉज एक कंसिस्टेंट सस्टेनेबल इनकम है सो फिफ्टी परसेंट ऑफ इट हमने गन्ने के लिए डेडिकेट किया और फिफ्टी परसेंट हमने सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे खुद उगाएंगे और उनको बेचेंगे हुँ. अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज्यादातर लोग पुणे और मुंबई में बैठते थे आई यूश टू गो टू देम टॉक टू देम एंड ब्रिंग कॉन्ट्रैक्ट जैसे ओकरा का कॉन्ट्रैक्ट एलपिनो का कॉन्ट्रैक्ट बटरनेट स्क्वाश का कॉन्ट्रैक्ट लाए हम लोग चिलीज का कॉन्ट्रैक्ट लाए हम लोग फिर वाटरमेलन का कॉन्ट्रैक्ट लाए पपाया का कॉन्ट्रैक्ट लाए पोमोग्रेन का कॉन्ट्रैक्ट लाया तो ये सब हम कॉन्ट्रैक्ट पे उगाने लग गए थे विच एक्चुअली गेव अस अ कंसिस्टेंट इनकम जो आपको तीन तीन चार चार महीने में आती है और गन्ना आपका एफडी की तरह डेढ़ साल बाद पैसा देने ही वाला है आपको करेक्ट सो so, इस तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज को बैक करते हमने पूरा चालू किया ये सारे क्रॉप करना आपको सीखना पड़ा होगा हमको सीखना पड़ा हमने लोग जोड़े जो थे बहुत सारे लोगों को लाए बहुत सारे लोगों में भरोसा किया लोगों ने भी साथ सपोर्ट किया एंड एक्चुअली ये सब ग्रो हुआ होती क्या जब आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए ओके बोलते हो तो सामने वाली कंपनी भी आपको एग्रोनॉमी नॉलेज देती है है 100% सीड्स नर्सरी न्यूट्रिएंट्स देती है नॉलेज एक्सचेंज होता है आप ग्रो होते हो आप ज्यादा लोगों को मिलते हो समझ पाते हो एंड हमने वहां पे भी बहुत सारे लॉसेस आए थे इन इन सिचुएशंस वेयर बारिश अनसर्टेन कभी भी आ गई सीड्स उगे नहीं अभी भी आप सारे ओपन फील्ड में ही मेंसेंट ओपन फील्ड में था ये मैं और प्रॉब्लम तो था कि अगर आपकी फील्ड है ढाई एकड़ की तो वो एक कोने में जो न्यूट्रिय होता था वो दूसरे कोने में नहीं मिलता था जो कि आप फर्टिगेशन जो दे रहे हो वो तो कंसिस्टेंट दे रहे हो एक ही सलीके का फर्टिगेशन पूरे फील्ड पे दे रहे हो तो किसी कोने में बहुत अच्छा उगेगा किसी कोने में उगता ही नहीं था सो so, ये जो सब प्रॉब्लम्स देखे ना हमने कि ओपन फील्ड में ये सारे प्रॉब्लम्स है हमें पेस्टिसाइड का यूज करना पड़ता था ना चाहते हुए भी करना पड़ता था कई बार हमने फ्लावर देखा जिसकी इनकन्सिस्टेंट डिमांड थी हमने ये सीखा कि नाउ आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी नीड सम काइंड ऑफ एग्रीकल्चर जो अजाइल uh, हो जो टेक बेस्ड हो <laughs> जो क्लाइमेट से परे हो मतलब क्लाइमेट को जो भी नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस

और हम लोग आ गए थे चेन्नई में चेन्नई में एक दोस्त था जो हाइड्रोपोनिक करता था और सेटअप करके देता था, था हम कुछ ना सोचते चेन्नई पहले विजिट पे आ गए कि देखते हैं अब वहां पे गए तो आपको पता होगा इन 2016 17 हाइड्रोपोनिक बहुत नया था अभी भी तो धीरे धीरे ही पिकअप धीरे धीरे पिकअप करा उस समय पे अगर किसी ने हाइड्रोपोनिक सेटअप कर दिया अगर मुझे जाके देखना है तो लोग फीस मांगते थे कि अगर आपको फार्म देखना है तो पैसे देने पड़ेंगे अच्छा अब हम लोग यहाँ से

जैसे आप बोलते है ना वो प्रॉपर ड्रेस कोड पहन के ग्लास वास पहन के गो बाजी वाला अच्छा लग रहा था कि यार ये ये चीज कुछ, कुछ अच्छी तो है कुछ हटके है ये तो तभी भी सोचा कि हाइड्रोपोनिक करेंगे तभी सोचा नहीं था फिर मुझे पता चला गोवा में एक बंदा है जिसने सबसे पहला हाइड्रोपोनिक किया था इंडिया में गोवा में गोवा में एक जन ने किया था अभी भी है ये लोग नहीं अभी बंद हो गया बहुत पहले था इट वाज इन 15 16 जिसने गोवा में किया हुआ था तो मैंने वाइफ को बोला चलो गोवा घुमाने चलता हूँ

पानी का टेम्परेचर हाई है पॉली के अंदर जाके भाप, वाली आ रही है इतना पसीना निकल रहा है पोली हाउस के अंदर जाके स्ट्रॉबेरी देखी तो इतनी इतनी सी स्ट्रॉबेरी उग रही थी उसके अंदर तो बोला अगर इस तरह से एग्रीकल्चर होना है हाइड्रोफोनिक तो हम कर नहीं पाएंगे कोई पॉ... चांस ही नहीं कि हम उगा पाएंगे कुछ भी एंड आई ड्रॉप दी आइडिया कि नहीं करना है मुझे अब हाइड्रोफोनिक यहाँ से इसके आगे फिर मैं पूना में गया तो पूना में मेरा जो पॉलीहाउस कंस्ट्रक्शन जो पहले वाला किया था तो उसमें पॉलिहाउस में कुछ इश्यूज आ गए तो हम मिल बातचीत कर रहे थे तो मैंने उनको चेन्नई के बारे में बताया गोवा के बारे में बताया तो उन्होंने बोला सर आप इधर उधर देश भर में घूम रहे हो पूना में एक हाइड्रोफोनिक फार्म है अच्छा बोला चलो दिखाओ अच्छा वाला है क्या, क्या ऐसा वाला मैंने फोटो बताया उनको बोलते नहीं नहीं सर बहुत बढ़िया है आके देखो एक बार और मैंने जेनुनली देखा है उसके बाद सही में फील हुआ कि नहीं मतलब हाइड्रोफोनिक अच्छे से भी किया जा सकता है स्कोप है स्कोप है क्योंकि जो क्रॉप मैंने देखे थे वो सारे लीफी थे ये बंदे ने फ्रूट ही उगाए थे पहली बार चेरी अच्छा, टमाटो उगाया था hmm. और बेल पेपर उगाया था अंदर बिच hmm. मी के यार ये अच्छी चीज ये चीजें भी उगाई जा सकती है फिर जो रिसर्च शुरू किया मतलब फिर राइट लेफ्ट सेंटर हाइड्रोफोनिक के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कहाँ से क्या होता है कैसे होता है इसराइल कॉल लगाए वीडियो से सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किए नैदरलैंड से वीडियो रिकॉर्डिंग से सारे इन्फॉर्मेशन शेयर किए बोला अब हाइड्रोफोनिक करना है एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर थीड्रोफोनिक करना है तो वो एक एकर, दो एकर से नहीं होगा वो दो एकड़ से करते हो ना आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल कभी आएगा ही नहीं आप एक तो बैठे हो सौ किलोमीटर दूर सिटी एरिया से आपको मटेरियल हर रोज लाना है आपके कुछ फिक्स कॉस्ट जो है वो एक एकड़ पे भी उतने है, दस एकड़ पे भी उतना है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंसल्टेंट अगर वो एक विजिट आता है तो पच्चीस हजार लेता है वो एक एकड़ के लिए हो या दस एकर के लिए तो पच्चीस हजार लेता हुँ, है सो नाव यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस डाउन योर पर एकरेज कॉस्ट आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी लानी है कहीं दूर से तो आपको हर पोल के खर्चे देने हैं जितने पोल्स आप बढ़ाओगे बड़ा हो गए वो एक एकर के लिए या, आप या दस एकड़ के लिए खर्चा उतना ही लगता है बट इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाता है दैट इज अ वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट 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 फिक्स तो कहीं ज्यादा डिवाइड हो जाते है अक्रॉस द एकरेज दैट यू डू

वो स्टार्ट करें हाइड्रोपोनिक से या नहीं करें या में ग्रो करना स्टार्ट करेंटार्ट सी आई वुड से आप एक काम कीजिए सबसे पहले तो किसी का जो फार्म है hmm. वहां पे जाके एक साल काम कीजिए अच्छा स्टार्टिंग इट और योर ओन पहले जाके काम करो फील्ड hmm, hmm, hmm. पे जाके काम करोगे दो पसीना बहेगा समझेगा कि हाइड्रोफोनिक क्या करना होता है फिर आप खुद ही सोचोगे मुझे एक एकड़ करना है या दस एकर करना है करेक्ट दैट इज द बेस्ट वे टू हैव फर्स्ट हैड्स ऑन ऑफ यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ हुँ हुँ. So that is what prefer. So, हमने भी मतलब तब तो दस एकर खड़ा कर कर दिया था आपने फिर, फिर दस एकर के कर लिया? दस एकर, हमारे जो ल्चर थी उसके पीछे ही दस एकर का एक ओनर मिल गया था जिसका लैंड दस एकड़ का था हुँ. तो हम बोला अभी तो इस बार जमीन खरीद लेते हैं क्योंकि लैंड लीज पे ली थी तो बहुत हमारा प्रॉब्लमेटिक हुआ था कभी आया गया और इतने आप एसेट बिठा रहे हो उसके ऊपर तो बेटर है कि लैंड अपनी खुद की ले लो Correct. तो फादर से मनी किए उसने अपने फादर से मनी किया और हमने जमीन ली। जमीन खरीद खरीद ली के, था था, तो लोन लोन से के mm -hmm. सेटअप करके देते हैं उनसे प्रॉपर को, कोटेशन आ गया अच्छे ढंग से करेंगे ये इधर पाइपलाइन जाएगी ये उगाएंगे और उन्होंने बाईबैक गारंटी के साथ काम किया था इंटरेस्टिंग बात तो ये था बना रहे थे तो हम तो बहुत खुश हो गए यार बीस पच्चीस टका रिटर्न मिलेगा बैंकों को बारह टका पे करेंगे आठ टका तो फिर भी कमा रहे तो वेन यू हैव हाँ लेसर कैपिटल पुट इन सेवेंटी फाइव परसेंट बैंक दे रही है अब पच्चीस टका भी भी आठ टका अपना कमा रहे हो तो बहुत बहुत अच्छा प्रपोजिशन 100%. है इन द मिडल ऑफ द टाइम जब प्रोजेक्ट शुरू होने लग गया हमें पता लगा कि उस बंदे को ऐसा प्रोजेक्ट आज तक इतना बड़ा स्केल पे किया ही नहीं है और जो भी किए थे वो आज तक कभी टर्न अराउंड हुए ही नहीं आपने आपने ये नहीं नहीं किया पहले, आपने नहीं नहीं किया पहले उनके उनके था हम फेस वैल्यू पे पे और प्रपोजल गए एंड दैट फर्स्ट मिस्टेक प्रोजेक्ट में आउट hmm. तो करना चाहूंगा आपसे कि कभी भी किसी वेंडर या किसी काम करे तो उनका फुल फ्लैश ड्यू डिलीजेंस करो hmm. कोई शर्मा दस सवाल पूछने से क्योंकि आप उसको पैसा दे रहे हो काम दे रहे हो और वो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है इट इज वेरी इंपरेटिव टू टू गेट गेट द द फर्स्ट हैंड ऑन और एंटायर ड्यू डन बोथ डाउन लाइन हैव अ बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड ये हमारी सबसे पहली गलती हुई hmm. फिर हमें कोई कंसल्टेंट अच्छे से मिले हमने उनसे बातचीत किया काफी सीनियर थे काफी हेल्प की hmm. मतलब हाफ वे प्रोजेक्ट में भी वो आ गए और पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। होता है

अगर आप दो या चार प्रोडक्ट उगाओगे तो आपको सौ कस्टमर के पास जाने पड़ेंगे वो दो या चार प्रोडक्ट बेचने के लिए ओके okay. बट अगर आप चालीस प्रोडक्ट उगाओगे तो आप चार कस्टमर में अपना सारा माल सेल कर सकते हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिग बाजार के पास जाता हूँ सो hmm. तो उसको बेल पेपर चेरी टोमेटो जुकीनी ब्रोकली केल पार्सले सेलरी अरगुल्ला थाइम ये सब चाहिए रहता है नाउ द पर्सन इज गिविंग यू दी ऑर्डर वो किसी आई आई एम आई आई टी से पढ़ा हुआ बंदा है उसको लैपटॉप पे एक ही बंदे को ऑर्डर पुश करना है। है, है, है। है, उसको अगर चार वेंडर वेंडर से से डील डील करना करना पड़ा तो उसका है, उसका इरिटेशन बढ़ता 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 जॉब का का काम कोऑर्डिनेशन टाइम इफ आई दैट फॉर हिम, बोलो तुझे खाली एक वेंडर से करना है। ये पचास प्रोडक्ट मैं लाके दूंगा तो मतलब तो बाहर मैंने बहुत कॉमनी देखा है के पास जाओ तो यही क्रॉप देंगे yes. आपने तो उल्टा चे, एक्वेशन चेंज कर दिया है देखो आ, बनिया दिमाग है पहले माल बेचो पहले माल में तो बाकी बाद में मतलब होता ही था बोलते थे अगर आप ये करोगे तो आप जैक ऑफ ऑल्ट्रेट कहलाओगे मास्टर ऑफ नन कहलाओगे हम जानते थे हम कोई भी क्रॉप की पूरी पोटेंशियल नहीं पहुंच पाएंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बेल पेपर तीन साढ़े तीन किलो तक उग सकता है हम शायद पहली बार में डेढ़ किलो ही पहुंचे थे चेरी टमाटो जो तीन साढ़े तीन किलो उग सकता है हम शायद डेढ़ पौने दो तो किलो ही पहुंचे थे फर्स्ट बार क्रॉप तो। का नुहाव हर क्रॉप का नुहाव भी नहीं था हमारे पास कि कैसे उगा सकते क्या उगा सकते बट मार्केट यहाँ पे हमने सुना था कि हाइड्रोपोनिक प्रोडक्ट को लेकर अगर आप जब तक मार्केटिंग में स्ट्रांग नहीं हो तब आप मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे

तो इंडस्ट्री में वो घूम के बंदा शायद दस और कंपनी में जाएगा तो मेरी दस और कंपनी में नॉलेज बन जाएगी और जब जा आपका एक किलो से तीन किलो होगा तो वो और भी अच्छे तो वो तो से। मुझे और भी अच्छे से हो कर पाऊंगा तो जब आप स्टार्ट में जब गाड़ी चलाते हो रेस में आपको जब रेस करते हो इनिशिएट तो जब थ्री टू वन बोलते हो आप भगाते हो धूल मिट्टी बहुत उड़ती है सेटल डाउन नहीं होती बट वो जरूरी होता है एक एक रेस में फ्रंट हो जाना मतलब एक एक पुश ले लेना आगे चले जाना फिर ऑटोमेटिक सब सेटल हो जाता है

हंड्रेड पर टाई अप कर लिया था बिग बाजार के साथ प्रोडक्शन होने से पहले प्रोडक्शन होने से पहले विद प्राइसिंग एवरी वो जगह पे आके पूरा मटेरियल लेके जाएगा क्या जा बात है सो डे वेस्टेज शुरू किया था हमने एंड इंसेंटली सात दिन तक प्रोड्यूस गया सातवें दिन पेमेंट भी आया एंड आठवें दिन लग गया लॉकडाउन कोविड ट्वेंटी ट्वेंटी मार्च का कोविड लग गया <laughs> अब ना हमें पैकेजिंग पता थी ना हमें ट्रांसपोर्ट पता था क्योंकि नाम क्रेट लेना होता ये, ये वो पता आके था। सीधा आपके वो फार्म, आके फार्म से उठा के लेके जाने वाला अच्छा we कहाँ बेचना ये पता भी नहीं था और अंडर फोर्स मैजोरिकॉस कंपनी ने पूरा अग्रीमेंट कैंसिल कर दिया बाजार बाजार ने फुल उस समय and आप लोग टन्स एंड टन्स ऑफ प्रोड्यूस करे क्या इसके साथ साइकिल चल रहा था क्रॉप का क्योंकि वो तो वो स्टॉप उसको कोविड नहीं लगता है mm -hmm. वो चल रहा था अपने स्पीड पे वो अपना ग्रोथ प्रोडक्शन सब कुछ दे रहा था करेक्ट तीन दिन बीत गए फार्म से फोन आया सर प्रोड्यूस और निकल रहा है क्या mm -hmm. करू, क्या फाइनली मैंने बोल रहे काम कर बॉम्बे भेज दे मैं देखता हूँ क्या करना है mm -hmm. तब तो कोई गोडाउन नहीं वेयर हाउस नहीं कुछ नहीं एंड तब पहली बार प्रोड्यूस आया तो मैंने बोला काम कर मेरे घर पर ही लेके चलता हूँ सो मेरे घर में ऐसा पूरा हॉल जो था उसमें सारे मैंने फर्नीचर अंदर डाल दिए hmm. थे कुकुम्बर एक कोने में कुकुम्बर पड़े थे एक कोने में पड़े थे hmm. एक कोने में आइसबर्ग पड़े थे एक कोने में बेल पेपर पड़े थे hmm. तो पूरा हॉल ऐसे भर गया था अब बेचू सात आठ दिन हो गए तो थोड़ी ईज शुरू हो गई थी एग्रीकल्चर गुड्स को अलाव कर दिया गया था आप प्रोड्यूस दे सकते हो आई रिमेम्बर आई सोल्ड कुकुम्बर एट सेवन रुपीज किलो जस्ट टू जस्ट टू सवाइव क्यार माल फेंकना ना पड़े तो अब जब आपके पास प्रोड्यूस इतना होता है तो मैंने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को फ्री में दे दिया यार बेल पेपर लेके जाओ कुकुमर लेके जाओ आइसबर्ग खाओ सब मेहनत से उगाया है कोई तो एटलीस्ट कोई था तो खाए कम, कम।, तो कम से कम एंड तब दोस्त ने बोला काम करना यार, मेरे, मेरे में से एक बंदा ऑलरेडी नॉर्मल सब्जियां बेच रहा है वो टिंडी अच्छा। भिंडी वो सब बेच रहा है तू भी तेरा गूगल फॉर्म शुरू कर देना मेरे सोसाइटी में डालता हूँ मैं जिसको ऑर्डर आया तो उसको दे दे एटलीस्ट दो पैसे तू भी कमाएगा एंड दिस इज हाउ गूगल फॉर्म स्टार्टेड दिस इज हाउ बी टू सी स्टार्टेड

मैं आपको कमीशन देता हूँ टेन परसेंट बट आप उधर से जो भी ऑर्डर आया वो आपकाउंट होगा हाँ तो वैसे हर सोसाइटी में हम एक वुमेन एंटरप्रीनर मिलते गए और हम आगे बढ़ते गए और एक नेटवर्क बन गया वुमेन एंटरप्रीनर का जो सोसाइटी सोसाइटी में कंसोलिडेट करके ऑर्डर्स देते थे तो और हम डिलीवर कर देते करेक्ट सो दिस इज हाउ दिएट मार्केटिंग स्टार्टेड कभी सोचा नहीं था कि हम बीटू सी करेंगे आई स्टिल रिम्बर मैंने पहले ककड़ी दो किलो के पैकेट में बेची है क्योंकि मुझे पता नहीं था कितने किलो के पैकेट में बेचनी होती है mm. फिर घर वालों ने बताया कि लोग आधा किलो खाते हैं बेटा दो दो किलो नहीं खाते ककड़ी mm. तब फिर उसको आधा किलो पैकेजिंग स्टिकर्स mm. ये सब बना बना के हाथ से ऑर्डर लेते थे फोन mm. पे mm. लिखते थे डिलीवर करते थे दिस इज आउट द बी टू सी जर्नी स्टार्टेड फिर हमारा प्रोडक्ट गया किसी एक नेचर्स बास्केट के स्टोर मैनेजर के घर पे घर पे अच्छा क्योंकि किसी ने उसकी वाइफ ने मंगवाया समझ गया ये कहाँ से आ रहा है फिर उसने नंबर निकाले Hmm. और वो नंबर पे कॉल करके देन अगेन नेचर बास्केट स्टार बाजार बिग बास्केट फिर जो ये शुरू हुआ एंड टुडे वी आर अक्रॉस फिफ्टी चैनल्स मतलब फिफ्टी स्टोर्स में हम लोग हैं मॉडर्न ट्रेड बोलो जनरल ट्रेड बोलो रिटेल ट्रेड बोलो बी टू बी बी टू सी सब जगह पे Maldives, hmm. है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में दुबई मॉल सिंगापुर एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट भी है एक्सपोर्ट भी है एंड पुना से हम लोग बड़ोडा अहमदाबाद डेली

दस एकड़ के लिए आपने काफ़ी फ़ंड जमा किया अभी ये जो नए लोग आ रहे हैं उनके पास वो फंड नहीं है आई एम श्योर आपने कोई स्टेज पे फंडिंग भी उठाया होगा टू तो स्केल टू तो अ लार्ज एरिया हाउ डू दिस पीपल स्टार्ट अपना जर्नी डू यू थिंक फंड कलेक्ट करना है कि एवरेज फार्मर सब्सिडी लोन लेके कर सकता है hmm. या इन्वेस्टर के पास जाओ या बो करो मतलब वॉट इज़ द राइट फाइनेंशियल एडवाइस Correct, correct, yes, so you know, uh, okay. स के लिए बात करूंगा mm -hmm. जो नए आना चाहते हैं सबसे पहले तो अगर आप हाइड्रोफोनिकन हाइड्रोफोनिक uh, uh, या तो फिर कंट्रोल एनवायरमेंट एग्रीकल्चर आप आना चाहते हो yes, yes, yes. पहले तो हंड्रेड परसेंट देना पड़ेगा अगर आप ये बिजनेस करके चलेगा में चलता रहेगा भूल जो, मत डालो, पैसे बर्बाद होने वाले लोग चाहते हैं देर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस कोई शॉर्टकट no नहीं होता है ये इसको दे दूंगा मेरा काम हो जाएगा मैं घर बैठे बैठे इनकम कमा लूंगा ये तो एग्रीकल्चर में पॉसिबल नहीं है आपको अपने पैर मिट्टी में गंदे करने पड़ेंगे सिंपल एंड मतलब सिंपल रूल है इसका हुँ. तो पहले तो देर शुडेंट बी एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम अगर आपको एग्रीकल्चर में कमाना है तो रियली really? वाह wow. क्योंकि आप नेक डीप हो जाओगे फिर एग्रीकल्चर में आप कुछ भी करके प्रॉफिट कमाओगे हुँ. अगर आपका कहीं और प्रॉफिट आ रहा है ना तो आपका एग्रीकल्चर से कभी प्रॉफिट नहीं आएगा Basically, वो प्रेशर बने रहेगा करेक्ट एंड प्रेशर ड्राइव्स प्रॉफिटेबिलिटी मुझे बताने की जरूरत नहीं है बट लास्ट एक साल में आपने देखा होगा हुँ. प्रेशर ड्राइव्स प्रॉफिटेबिलिटी फंडिंग जिस दिन रुक गई हुँ. सारे स्टार्टअप प्रॉफिटेबल हो गए ट्रू सो अगर सबसे पहला मतलब नए फार्मर्स को अगर आप करना है नेक डीप घुसो इसमें तभी प्रॉफिट निकाल पाओगे सेकेंड जहां तक फंडिंग की बात है चूंकि अब हम थोड़े से बड़े हो गए हैं तो हमने गवर पहले तो हाइड्रोपोनिक या फिर कंट्रोल एनवायरमेंट एग्रीकल्चर वेजिटेबल्स बहुत छोटे पैमाने पे गवर्नमेंट में नॉलेज थी उसके बारे में ज्यादा लिखा भी था। नहीं था ना ही किधर कोई सब्सिडी अवेलेबल थी या कुछ भी था बट अब हाइड्रोफोनिक एरोपोनिक और सारे जो पोनिक्स है दीज आर पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर राइट हमने मिनिस्ट्री में जा जाके जाके पुष्ट करवा के डलवा कर दिया अंदर न सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज कम्स अंडर एग्रीकल्चर सिंस इट कम्स अंडर एग्रीकल्चर हर एक बैंक का फोर्टी परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होती है इनको करनी पड़ती है अगर आप थोड़ी भी बेटर हो थोड़ा सा बेटर आता है आपको तो कोई भी बैंक आपको फंड करेगी हाइड्रोफोनिक या फिर कंट्रोल एनवाइ एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए बैंक, बोल। बैंक लोन लोन बैंक देगी तो हमने वो करवाया है कि हाइड्रोफोनिक को पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर बना दिया है सो so पहले तो आपको बैंक लोन मिलेगा अब होता क्या लोग डरते हैं बैंक लोन आया इंटरेस्ट भरना पड़ेगा यार अगर आपने जीरो रेट पे कोई फंडिंग तो कोई दे नहीं सकता है कॉस्ट ऑफ फंड बिजनेस करोगे तो ब्याज से क्यों डर रहे हो बिजनेस जो नहीं करने वाला है वो ब्याज से डरने वाला है सो दिस दिस शुड बी अगर आप कर रहे हो तो पूरी जान लगा के करो ऊपर से करना सेकेंड सोर्स ऑफ बिजनेस करना है सेकेंड तो ये मत करो आपके लिए नहीं है सो द ओनली आंसर टू वट यू आज के नए लोग को क्या सिखाना चाहोगे आप कर रहे हो तो हंड्रेड परसेंट करो वरना सारे रास्ते निकल जाएंगे फिर ऑटोमेटिकली mm -hmm. क्योंकि क्या है ना कि अभी जैसे आपने बोला अगर कहीं और से आपको पैसा मिल रहा है तब इसमें मत कूदो मेजॉरिटी लोग जो मतलब आजकल आते हैं वो कहीं बिजनेस रन कर रहे हैं अब एज साइड हसल खेती करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने टैक्स फ्री इनकम मिलेगा मेरे पास लैंड है और लैंड से अभी क्या कहते हैं बटाई पे किसी को दिया पड़ा है करेक्ट करेक्ट अभी बटाई को छोड़ी क्यों ना मैं ही कुछ करके और प्रॉफिट कमा लू करेक्ट तो वो सारे माइंड सेट रहते हैं बट ये फहमी है कि साइड हसल के थ्रू ही हो सकता है करेक्ट ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड इफ टू टू एग्रीकल्चर दे मस्ट इन्वेस्ट

बिल्डिंग राइट टीम ट वुड अच्छे मिले एक के बाद एक जो लोग मिले लिटरली उन्होंने अपनी जान डाल दी थी न्यूट्री फ्रेश को बड़ा करने के लिए मतलब फॉर एवरी वन न्यूट्री फ्रेश वॉज इंस्पिरेशन न्यूट्री फ्रेश वॉज एस्पिरेशन कि इधर से ही हमें आगे बढ़ना और इसको ही आगे बढ़ाना है क्योंकि सब लोगों ने मान लिया था कि हमारी पहचान न्यूट्री फ्रेश से है और न्यूट्री फ्रेश की पहचान हमसे है कि कल उठ आप आप संकेत मेहता को क्यों जानते हो हाँ ये न्यूट्री का ओनर है hmm. आप काम क्या करते हो न्यूट्री में काम करता हूं hmm. आपको एक्सपीरियंस से मिला से मिला आप जितनी बार को बड़ा करते जाओगे उतना आप बड़े होते जाओगे इज वर hmm. सब यही hmm. सोचते थे मतलब आई स्टिल रिमेंबर मेरा कंपनी का जो आज सीओ है जो पोस्ट हार्वेस्ट संभालता है hmm. उसने एक टाइम पे पाइपलाइन खोल के पाइप भी ठीक किए हैं उसने इलेक्ट्रिक लाइन खोल खोल के ठीक की है सबने हाथ गंदा किया हाथ गंदा किया हमने आप हम, कितने लोग से स्टार्ट हुए थे आप हम शुरुआत की थी हमने पहले तो जो फ्लावर का शुरू किया था तीन लोगों से और आज कितने लोग हैं आप और आज हमारी 280 लोग की टीम है हम फैमिली फैमिली मेंबर्स मेंबर 280 है आज हम लोग दूर हूँ तो, <laughs> राइट सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू ऑपरेट जैसे आपने Correct. बोला कंट्रोल एनवायरमेंट एग्रीकल्चर राइट सो न्यूट्री फ्रेश के नाम में ही हम बोल रहे हैं न्यूट्री विच आर यू नो सिग्नलिंग की ये प्रोड्यूस आपका ज्यादा हेल्दी रहेगा न्यूट्रिश sure. रहेगा एंड दी अदर स्कूल ऑफ थॉट है कि ऑर्गेनिक फूड के बारे में जो बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करेक्ट एंड इंडिया में ये अभी रिसेंटली फैला है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं है sure. क्योंकि आप में यील्ड नहीं मिलता है so how are these two different climate environment agriculture and and agriculture organic farming hmm. and is one healthier than than the the other other or better than the other? Hmm, hmm. okay ऑर्गेनिक uh, okay. Uh, hmm. hmm. मतलब uh, अच्छा होता है क्योंकि उसमें हम लोग hmm. या कोई ज्यादातर केमिकल यूज नहीं करते जिससे उसकी ग्रोथ स्टिमुलस हो चुके हम लोग वो सब नहीं करते उसके अंदर तो ये ऑर्गेनिक लोगों ने बहुत जगह शुरू कर दिया था मतलब मुझे पता है मेरा नीचे भाजी वाला बोलता है सर ये ऑर्गेनिक कोतमीर है मतलब पहले तो बता ऑर्गेनिक कोतमीर होती क्या मतलब, मतलब कैसे आपने कैसे डिपेंग? मतलब सर हमें ऑर्गेनिक शब्द अच्छा लगा हम ऑर्गेनिक वापर है। मतलब इट बिकेम सो जेनेरिक कि हर कोई बंदा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कर रहा था प्रॉब्लम एक है ऑर्गेनिक में कि ऑर्गेनिक इज जनरली हेल्थियर ये मैं बोलना चाहूंगा मैं ना नहीं बोलूंगा बट कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक कहने के लिए आपको वो ज़मीन पे कम से कम चार साल तक कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करना है कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करना है वो नेचुरल तरीके से ग्रो होना चाहिए उसके जो भी न्यूट्रियट्स है वो सॉइल में ही होने चाहिए आप मैक्स टू मैक्स काउडंग काउ यूरिन यूज़ कर सकते हो उसको स्टिमुलस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए नेचुरल जो होते हैं या आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हो मैक्स टू मैक्स ये सारी चीज़ों से जब वो बनता है तब वो एक ऑर्गेनिक प्रोड्यूस बनता है आप एक भी तरीके का फर्टिलाइजर यूज नहीं करोगे तब वो ऑर्गेनिक बनेगा अब ये है कि चूंकि जब आप ये सब करते हो तो जो पर एकरेज ईल्ड आनी चाहिए वो आती नहीं है तो इसके लिए बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रहता कम हो, हो जाता है कम हो जाता है सो तो लोगों ने अभी ऑर्गेनिक के अलग अलग भले उगाने का तरीका आपका मॉडर्न तरीका रहेगा बट बोलते वक्त ऑर्गेनिक बोल के बेचा करते थे सो इसलिए लोगों को ट्रस्ट इशूज भी अलग है कि सही में जो खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक है या नहीं है करेक्ट सो यहाँ पे आगे इशूज दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अभी ऑर्गेनिक के नाम पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर fertilizer. बायो फर्टिलाइजर्स right. जो बेचने लग गए इनकी जो लॉबी हो गई वो इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी हो गई <laughs> कि इन्होंने ऑर्गेनिक के रूल्स ही कई टाइम बदल दिए फॉर एग्जाम्पल जो भी फूड सॉइल में उगेगा वही ऑर्गेनिक कहलाएगा ये रूल नाइनटीन में आया उसके पहले था नहीं ये रूल क्योंकि तब हाइड्रोफोनिक मार्केट इंप्रूव होने लग गई थी और हाइड्रोफोनिक के लिए कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा था समझ गया So, इन्होंने रूल्स ही बदल दिए मतलब प्ले ग्राउंड ये एसोसिएशन uh, बनाती है hmm. और वो एसोसिएशन बनती है बिजनेस hmm. होता है सो so, उन्होंने अप बिजनेस खड़ा किया था जिसमें दिस वॉज द एंट्री बैरियर ये एंट्री बैरियर डाल दिया था सो so, अगर आप बोलो कि ऑर्गेनिक और, और हाइड्रोपोनिक या रेसिड्यू फ्री में फर्क क्या होता है मेरे हिसाब से आ, भाई बहन है सारे के सारे mm. बट प्रेजेंटेशन करने के तरीके अलग अलग है आई वुड प्रेफर के हाइड्रोफोनिक बेटर है या ऑर्गेनिक बेटर है या रेसिड्यूफी बेटर है मेरे हिसाब से कोई भी चीज़ अगर नेचुरली उगाई जाए mm. और उसमें पेस्टिसाइड और केमिकल का यूज ना हो तो वो रेसिड्यू फ्री प्रोड्यूस अच्छा प्रोड्यूस है ये मेरा सिंपल मानना mm. है हैिविंग इट अ लेबल क्या आप कोई भी पेस्टिसाइड यूज मत करो जो भी इंसान के खाने के लिए सेफ़ है

प्रॉब्लम भी वही है क्योंकि जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनको पता ही नहीं होता है तो, हो, तो लोग कैसे मैं, मतलब जो भी लोग रुके कॉमन क्वेश्चन रिपीट हो जाता है लोग कैसे पता करेंगे कि वो न्यूट्री से आ रहा है या तो आप खुद का ब्रांड बना के बेचो डी टू सी बी टू सी बिजनेस करो लेकिन अगर आप कॉमन मार्केट में जा रहे हो देयर इज नो वे टू फाइंड आउट ऑब्वियसली

वो लोग उसका भी सैंपल टेस्ट करके लेके आते हैं कि आपने कभी तीन साल में भी एक बार पेस्टिसाइड यूज किया रहेगा तो वो स्टील पे लग जाता है hmm. वो लोग वो लेवल का चेकिंग करके जाते हैं और वो लोग टेस्ट करते हैं और फिर रेसिड्यू फ्री सर्टिफिकेट देते हैं कि यहाँ से जो प्रोड्यूस निकला हुआ है दैट इज अ रेसिड्यू फ्री प्रोड्यूस मतलब सेफ टू ईट फॉर ह्यूमन ये प्रोड्यूस है तो आप कभी भी अगर देखो तो ये जी सर्टिफिकेट बोलते हैं ग्लोबल गैप सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बोलते हैं

कि मैं ये? जो ये खा रहा हूँ ये कहाँ से ला रहा है प्रोड्यूस प्रोड्यूसरिटीबिलिटी फॉर श्योर सूनर और लेटर गोइंग टू अनाउंस कि जनरली जब हम कोई भी ऑफिस रहता है या पॉली हाउस रहता है हम सी सी डालते हैं सूनर विद इन अ मंथ और अ टू हम क्यू कोड देंगे आप सीधा हमारा सी सी फुटेज देख सकते हो ओपन टू ऑल हो जाएगा राइट सो so, मतलब फिर कोई बैरियर ही नहीं कि मैं छुपा रहा हूँ मैं दिखा रहा हूँ मेरे सीसीटीवी फुटेज मैंने ओपन कर दिया अब देख लो कहाँ से प्रोड्यूस आ रहा है आपका जियो टैगिंग तो बहुत लोग कर रहे हैं आजकल जैसे मतलब कॉम्पिटिशन है वो लोग जियो टैगिंग करते हैं कि ये प्रोड्यूस ये फार्मर ने उगाया था ये फार्मर का लोकेशन ये है ये नाम ये है यहाँ से आ रहा है उसका गूगल मैप लोकेशन पिन दे देंगे पिन भी छोड़ो मैं तो सीसीटीवी फुटेज खोल दूंगा देख लो तुम खुद पूरे दिन भर प्रोसेस चेक कर सकते हो क्या चल रहा है फार्म के अंदर सो ट्रेसिबिलिटी इज द से मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपका प्रोड्यूस कहाँ से आ रहा है और वो ट्रस्ट भी बिल्ड करता है लोगों के साथ कि ये यहाँ का प्रोड्यूस खा रहा हूँ तो वो हेल्दी होगा वो टेस्टी होगा

येस yes, ऑर्गेनिक से ज्यादा ईल्ड होती है क्योंकि जो सॉइल न्यूट्रेटिव वैल्यू है hmm. अपने देश की वो कम हो रही है नियर बाई लोके पेस्टिसाइड बहुत यूज कर ली है पानी में इतनी गंदगी है ये सारे की वजह से आपकी सॉइल की नेचुरल न्यूट्रेटिव वैल्यू ही कम हो रही है hmm. जिसकी वजह से ऑर्गेनिक प्रोड्यूस उतना ज्यादा पर एकज ईल्ड नहीं आ पा रहा है एंड विच इज वॉट इज मेकिंग हाइड्रोपोनिक एज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग मोर ईल्ड देन द ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वन इज ऐसा नहीं है कि आपने बेल पेपर के सीड में हो गया तो वो दो किलोेंगे और सीड यहाँ पे होगा तो तीन हो गेंगे वैसा नहीं होता hmm. सीड की कैपेसिटी साढ़े तीन किलो की है वो उगेगी बट उसको जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो वेरी होने की वजह से उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक नहीं होती राइट सो हाइड्रोपोनिक में मैक्सिमम पोटेंशियल अनलॉक होती है मैं ये बोलूंगा राइट सो बिकॉज ऑफ हाइड आप

वोर में मैंने 42 हुए कैसे उसको आपने? हर बार, जब गलती होती थी ना तो हम एक दूसरे पे चिल्लाते नहीं थे तेरी गलती थी या मेरी गलती थी ऐसा नहीं था इट वाज़ क्या गलती हुई क्या मिस कर गए हम लोग और अगली बार क्या बेटर करना है right. जिसकी से गलती करने से डरते नहीं थे हम लोग जनरली क्या होता है लोग डर जाते हैं गलती क्या तो ये चिल्लाएगा ये गाली देगा ये गुस्सा करेगा हम अपने लेबर को भी गुस्सा नहीं करते थे अच्छा बेटा बता तुमने क्या क्या किया था क्या मिस हो गया तो प्रॉब्लम सोल्विंग प्रॉब्लम सोल्विंग आप बैठो सामने समझो क्या चीज कर सकते हो और अगर नेक्स्ट टाइम वो सोल्व करो एटलीस्ट वो गलतियां वापस आप रिपीट मत करो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रॉबेरी उगाने शुरू किए थे लोगों ने बोला स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा होता है पहली बार फेल हुए दूसरी बार फेल हुए दोनों बार पॉलिनेशन में फेल हुए तीसरी बार भी पॉलिटेशन में फेल हो गया तब समझ में आ गया ये हमारे बस का बात नहीं है हमने बंद कर दिया फिर यू शुड नो फ्रॉम वेयर टू पुल बैक इसके आगे और पागलपंथी नहीं दिखानी right. एक बार दो बार तीन बार बस सो दिस इज हाउ हमने मतलब लॉसेस भी झेले फोर्टी टू डिफरेंट क्रॉप्स में लॉस हुए तब जाके हम सीखे समझे और अब हमारे प्रॉपर एसओपी डिफाइंड है कि आज के दिन में क्या करना है आज के दिन में क्या करना है हर क्रॉप के लिए हर क्रॉप के लिए लेबर के साथ फर्टिगेशन काउंट के साथ पूरा मतलब मिली मतलब एम जी बाई एम जी हमें पता है कि कितना ग्रामेज आज फर्टिलाइजर जाने वाला है इसके अंदर एज अ फाउंडर एंड अ पर्सन बिल्ड होल सिस्टम आपको भी ये सब नॉलेज रहना जरूरी है यस yes. आपको नॉलेज होना जरूरी है एटलीस्ट आप मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप डीप डाउन हर दिन जाके वो फार्मिंग करो आपको पर ये बात जरूरी है कि आपको नॉलेज हर चीज का होना चाहिए कि प्रूनिंग होती कैसे है कटिंग होती कैसे है बेंडिंग होता क्या है मतलब यहाँ तक तो हमें याद है कि हमने कोविड में टेम्पोज भी खुद चलाए बी टू सी डिलीवरी खुद की है तो आज अगर कोई ड्राइवर बोलता है कि नहीं चार घंटे लगते हैं सर यहाँ से वहां जाने हम, नहीं हमें गए हम गए <laughs> दो घंटे लगते हैं किससे तो बोल हमें रहे। मत बता के क्या होता है राइट सो आपको नॉलेज होना जरूरी है ताकि लोग आपको बेवकूफ़ ना गिने दैट इज द ओनली थिंग अदरवाइज एज अ फाउंडर क्या होता है आप कहीं हैट्स पहनते हो और exactly. आप कहीं हैट्स पहन के इतना ऊपर तक आते हो सो यू हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी थिंग एंड यू नो द पेन ऑफ ईच एंड एवरी पोजिशन अब अगर मैंने मुझे नहीं पता होता कि लेबर क्या करता है नीचे या उनके प्रॉब्लम्स क्या है तो मैं जब पॉलिसी डिजाइन करूंगा तो मैं वो अपने मन से ऑफिस में बैठ के उनकी पॉलिसी डिजाइन करूंगा विच इज वेरी इनकरेक्ट मैं जब तक उनके शूज में नहीं जाऊँगा तब तक उनके पॉलिसी में उनको क्या रिक्वायरमेंट है वो नहीं true, समझ पाऊंगा वी वर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया एग्रीकल्चर में जिन्होंने फार्म के लेबर के सारे इंश्योरेंस करवाए हैं wow. कि फार्म पे कुछ भी हुआ हुँ. तो सी से गिर गए फ्रैक्चर हो गया कुछ भी हो फिल्म गया चेंज कर रहे हैं कुछ फिल्म रहे हैं। चेंज कर एनीथिंग सो so, हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स और ये हम हर एक का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं ताकि उनको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो देखें डायरेक्टली मेडिकल हेल्प के लिए उनको घर पे वापस नहीं जाना पड़ेगा जैसे हमने नहीं देखा है हमारे यहाँ पे टोमेटो में ऊपर चढ़ा था तो एक लेडी ऊपर चढ़ी थी और नीचे गिर गई थी तो उनको फ्रैक्चर हो गया था सो so, उनको फोर्टी थाउजेंड का पूरा एक्सपेंस इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया था hmm. प्लस लॉस ऑफ पे फॉर दैट मच टाइम वो भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है सो so, ये सारी चीज हम लगते हमने वहां पर मैं खुद एक बार गिर गया था तो मुझे खुद किया इसलिए मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम्स होते हैं यहाँ पर टेम्पो ड्राइवर्स को जनरली लोग क्या बोलते हैं कह रहे तो रात भर चला लेगा गाड़ी बट वी नो इट इज सो डिफिकल्ट मैं एक्सप्रेस हाईवे पे मुंबई पुना कई बार करते रहता हूँ और लोग क्या करते हैं गालिया ये देते हैं कि यार टेम्पो वाला फर्स्ट लेन में चलाता है hmm. फर्स्ट लेन तो गाड़ी यार आप टेम्पो चलाओ वो इतनी हीट और इतनी आवाज होती है ना कि आगे अगर आपको कोई ट्रक होती है ना तो इरीटेड होता है आप चलाने को जमता नहीं है करेक्ट यू वॉन्ट द रोड टू बी क्लीन ताकि आपका माइंड क्लीन रह सके अगर आपके आगे कोई ट्रक है मोशन सिकनेस होती है आप एक्सीडेंट कर सकते हो एज ए ट्रक ड्राइवर सो ये मैंने देखा है पता है क्या होता तो आज मैं कभी हॉर्न नहीं बजाता हूँ कोई मेरे आगे ट्रक वाला होता है फर्स्ट लेन में तो क्योंकि आपने वो देखा हुआ है सो एज अ को फाउंडर इफ ए बिल्डिंग अ न्यू कंपनी डेफिनेटली ये सारे हार्ड्स पहनना जरूरी है तब आप उस लेवल पर जा सकते हो और उस तरीके की पॉलिसी कंपनी के लिए बना hmm. सकते हो जो पूरे कंपनी को आगे लेके जाए एंड वाई दिस इज सो रेलिवेंट क्योंकि आप हमने फुल टाइम एज अ कंपनी बोला बिजनेस विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज इवन मोर इम्पोर्टेंट खेती में hmm. जो लोग खेती में आ रहे हैं दे नी टू अंडरस्टैंड हाउ अ प्लांट वर्क दे नी टू अंडस्टैंड हाउ लॉजिस्टिक्स वर्क

Spinach, hmm. mint, basil, red ये बंडलिंग तो कर कर so प्रोसेस, कर कर प्रोसेस के साथ कौन सा प्रोसेस कौन सा उगाया जा सकता है कुकुम्बर के बाद जुकी ले सकते हैं उसके साथ साथ क्योंकि दोनों के क्रॉप पैटर्न्स और साइकिल सिमिलर है सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड फोर्टी डिफरेंट एसके यूज के, के प्रोडक्ट के साथ कौन सा बंडलिंग प्रोसेस

या बेल्ट या शुगर या फिर अब सातारा सांगली कोल्हापुर बेल्ट ये सारे शुगर केन बेल्ट अक्टूबर yes. में शुगर केन कट हो जाता है नेक्स्ट जो शुगर केन लगता है वो लगता है आपका सीधा अप्रैल में मंथ के बाद ठीक है करेक्ट जो बोलते हैं ना हम लोग मॉनसून के आने से पहले शुरू कर देते हैं काम करना तो जो बीच का चार महीना मिलता है ना वो ब्रेक रहता है ओके और विंटर सीजन होती है बाहर का क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत फेवर करता है आपके किसी भी एग्जॉटिक क्रॉप को उगाने के लिए सो उनके लिए तो क्रॉप वाला या क्रॉप रोटेशन वाला प्लान है कि शुगर केन के अलावा कुछ और उगाओ फिर वापस शुगर केन उगाएंगे तो ये लोग जो सारे आपके केल अरेगुला जो होते हैं वो लोग वहां पे उगा देते हैं उगा उगा नहीं उगा नहीं उगा वो लोग सबसे चीप भाव पे मार्केट में डंप करते हैं वो चीजें ठीक है विंटर्स में जैसे कि आपको आइसबर्ग चार रुपए पांच रुपए किलो मिल जाएगा मार्केट में

एंड जितनी डिमांड है उसे इसलिए प्राइस स्लैश डाउन हो जाते हैं hmm. तो उस समय पे अगर आप आ, लीफी उगाओगे अपने पॉली हाउसेस में तो आप कभी वो मार्केट के रेट के साथ कंपीट ही नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे सो so, वो जो क्वालिटी डिफरेंस है लोग नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है उस समय पर तो मार्केट में जो प्रोड्यूस आता है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का आता है सो दैट इज अ मेजर रीजन कि हम लोग अपना जो एनुअल क्रॉप प्लान है वो बेस्ड ऑन आवर लास्ट फोर इयर्स ऑफ डेटा हमने हमारा फोर्टी टू क्रॉप को इस तरीके से उगा रहे हम लोग ताकि हमें एग्जैक्टली exactly पता है कौन से सीजन में कौन से क्रॉप को सबसे ज्यादा रेट मिलेगा hmm. जैसे कि अगर आपको पता हो तो लास्ट आठ महीने पहले टमाटर के भाव ने पूरा मार्केट हिला दिया था इट वॉज नॉट नोन न्यू टॉपिक फॉर अस हमें पता था कि ये सीजन में भाव उगता ही उगता है इट वॉज वेरी कॉमन अभी आप वही देखोगे तो जैसी आप ये सीजनल है अगर आप चेक भी कर लो हिस्टोरिकल डेटा देख लीजिए फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मे

चेरी टमेटो ये सीजन में ये एरिया में ज़्यादा बिकता है यहाँ कम रहता है यहाँ रेट ज़्यादा मिलता है ये सारा मैपिंग कर सकते हैं सो यू कैन से इट इज़ ह्यूमन ओरिएंटेड डेटा पुट इनटू अ सिस्टम गिव्स यू द एनालिसिस के कब क्या उगाना चाहिए और आप ये मंडी पे जाके देखते हैं मंडी पे राइट राइट सो अब काफ़ी मतलब डेली ग्राइंड काफी रहता होगा कि हर सिटी में जाके

एक ही चीज है जो प्राइस इनकंसिस्टेंट है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स परसेंट हाइज और लोस के मतलब इट इज मैं गुजराती में बात करूंगा तो सट्टा बाजार है ये पूरा स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट भी कम पड़ जाए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में तो मतलब इंसान या तो बर्बाद हो सकता है या तो आबाद हो सकता है करेक्ट करेक्ट तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको कौन से पैरिटी में खेलना है कहाँ पे खेलना है और कितने रिस्क के साथ खेलना है जस्ट एक मिल्काम्पल आप दूध का ले लो पानी का ले लो करेक्ट बिकॉज ऑफ कंपनी काग्रीकल्चर करते हो ना आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड रह एंड दैट इज वाई कारपोरेट्स लाइक मेडोनल्ड्स और बर्गर Hmm. मतलब हमारे पास अभी डोमिनोज के आगे के टमेटोज चाहिए बट साल भर साठ रुपए के रेट पे चाहिए कंसिस्टेंट ओके हम वो दे सकते हैं उन्हें बेसिकली एक फाइनेंशियल कॉल होता है कि आप कितना फिक्स में देना चाहते हो कितना वेरिएबल में, रखना चाहते, चाहते हो कितने में प्रॉफिट अप करना चाहते हो और कितना आप फिक्सड इनकम करना चाहते हो तो अगर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो पता है कि हमारा ग्रोइंग कॉस्ट जो है वो एक्स अमाउंट है

रहना चाहिए माल बस आप क्वालिटी ए बी दो एक बार के लिए बंदा थोड़ा सा एडजस्ट करता है एक दो दिन एडजस्ट कर लेता mm -hmm. है बट अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो यू विल बी आउट फ्रॉम द मार्केट दैट्स वेयर कंट्रोल एग्रीकल्चर अलाउज यू दैट 12 12 मंथ ऑफ कंसिस्टेंसी मतलब अगर मैं सबसे बेस्ट ग्रोअर भी हूं बट अगर मैं साल के सिर्फ 4 महीने ही प्रोड्यूस दे रहा हूं तो मुझे अगले साल में कोई पूछेगा भी नहीं फॉर एग्जाम्पल लाइक अ न्यूट्री फ्रेश मैं आज बेल पेपर दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक सौ रुपए में मार्केट में एक में भी मिल रहा है उसको बट hmm. इसको पता है कि मुझे न्यूट्री फ्रेश से साल भर मिलने वाला है 150 में तो मैं आज भी 150 में उनसे एक बार के लिए प्रोड्यूस लेता जरूर रहूंगा अच्छा माइंडसेट कंसिस्टेंसी मिल रहा है मुझे hmm. जितने भी हो का है होटल रेस्टोरेंट्स एंड कैंटीन टू पे अ प्रीमियम प्राइस फॉर कंसिस्टेंसी जैसे कि अगर बॉम्बे में एक नोनास पिज्जा करके खुला है या फिर आ, आ, बहुत सारे जो क्रेजी चीजी करके पूना में एक बर्गर का है? है ये सब हमारे साथ है ये लोग किलो बाई करने को रेडी है क्या बात कर रहे हैं द रीज़न कि मुझे हर रोज़ किलो मेरे शॉप पे ये क्वालिटी का हर रोज चाहिए बाहर बारिश बार हो एवरी डे एवरी डे चाहिए बाहर बारिश हो धूप हो ठंडी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे दस किलो हर रोज चाहिए ठीक है ओके मैं तीन सौ रुपए देने को रेडी हम लोग चलेगा मुझे क्योंकि मार्केट का जो कोरियन आता है वो एक फार्मर से नहीं आता है दस फार्मर से आता है उनकी डिपेंडेंसी क्वालिटी ऑफ फूड पे है उनको क्वालिटी कंसिस्टेंट रखनी है अगर चटनी का फ्लेवर आज कुछ अलग है और कल कुछ अलग है तो लोग रेजोनेट नहीं ब्रांड वैल्यू आपकी कम होते जाएगी सो so, का बर्गर मानो अगर टेस्ट बदल गया तो आप 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 नहीं खाओगे उसको तो आपको एक ही सलीके का प्रोडक्ट चाहिए वो तब आ सकता है जब आपका प्रोडक्शन एक ही जगह से आता हो और वो कंसिस्टेंटा हो यूजली जो ये ब्रांड्स रहते हैं एक ही बैर से उठाते हैं जनरली प्रेफर करते एक ही बार से उठाए बट hmm. मार्केट की इनकन्सिस्टेंसी की वजह से मिलता नहीं है राइट right. और वहीं पे न्यूट्रीफ्रेश लेकर कर रहा है कि हमारे पास आप आइए कैपेसिटी है hmm. आपको राउंड दियर प्रोडक्शन दे सकते हैं हम लोग यूजुअली ये आपको अप्रोच करते हैं या आप इनको अप्रोच करते हैं बोथ वेज राउंड होता है आम, right. इनिशियल हम अप्रोच करते हैं ताकि मार्केट में क्योंकि हम है। आपको बताया था कि हुँ. मैंने एक वो जो प्रोड्यूस पहुंचा था हुँ. मेरा बी टू सी में जब कोविड के टाइम पे तो वो नेचर्स बास्केट से था हुँ. अब नेचर्स बास्केट वाला बंदा निकल के गया स्विगी जोमेटो में वहाँ से गया वो जेप्टो में यहाँ पे कोई और बंदा आ गया आप उनसे मिले तो ये पूरी नेटवर्क चेन बन गई understood, understood. और ये इंडस्ट्री में अंदर अंदर ही जाते हैं सेकेंड इज यू डायरेक्टली कोल्ड कॉलिंग होते हैं कि आप hmm. डायरेक्टली बात करो मेरे पास ये प्रोड्यूसर है जैसे कि पेन पॉइंट जानो उनके और सही टाइम पे कॉल करो जब आपको एंटरटेन करे अगर आप विंटर्स में फोन करके बोलो कि आइसबर्ग पड़ा है मेरे पास तो आपको पूछेगा भी पूछेगा भी, भी नहीं इतना मिल बट वही आप अगर आप मानसून में कॉल करो बोला आइसबर्ग पड़ा है तो बोलेगा किधर है बताओ चलो विल बी मोर इंटरेस्टेड तो उनके पेन पॉइंट जानो कि कहाँ पे पेन पॉइंट so, और कब कॉल करना चाहिए आपको पहला तो था तो विन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, है कि आप, आप, ये मत सोचो कि आप क्या बेच रहे हो हुँ. आप ये देखो सामने वाला खरीदना क्या चाहता है सेल 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 नहीं ऐसा नहीं सामने वाला क्या बाय करना चाहता है वो भी आप समझो समझो अगर उस बंदे को प्रॉपरली एक चैनल से कहीं से चेरी टोमेटो और ज़ुकीनी आ रही है तो आप उसको वो दो पुश करोगे तो वो ना बोलेगा शायद वो दो की वजह से आपके दस और प्रोडक्ट को देखेगा भी नहीं शायद वो हु, हु. तो आप पुश वो करो जो उसको जरूरत है क्या वो खरीदना चाहता है या नहीं पहले तो राइट सो देन यू स्टार्ट पुशिंग योर प्रोडक्ट्स क्या क्या कर सकते हो एंड फोर्थ एंड द इम्पोर्टेंट जो आपने बोला ट्रेसेबिलिटी हम लोग कई बार जब जो भी वेंडर से डील करते हैं या जो भी कस्टमर से डील करते हैं hmm. हम उनको बोलते हैं आप एक बार हमारे फार्म आके विजिट करो यू सी वेर आर प्रोड्यूस आर कमिंग फ्रॉम हाउ दे आर कमिंग वट ऑल डू यू वॉन्ट फ्रॉम अस मोर कि प्रोड्यूस के अलावा और क्या क्या चाहिए आपको हमसे जब आप ये डिस्कशन करते है. हो जब कोई बंदा आपके फार्म पर आ गया होता है ना और वो एक बार आपके फार्म को देख लेता है hmm. या समझ में आता है कि प्रोड्यूस कहाँ से आ रहा है ना वो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है आपका राइट फिर वो लॉन्ग टर्म चलता है दैट्स आपके 42 अब आपके जब जब काम आ रहे, एक yes. तो एक के बले दो तीन चार पाँच। तो हम hmm. हम कहीं पे पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट पुश करने जाते हैं, हैं, तो बंदा दस का पूछी लेता है फिर। right, right. Yes. So, है। फिर। राइट राइट। क्रॉस सेल हो जाता है। आप से एक चीज़ समझना है। hmm. जो आप बारह महीना from month one to month five to month seven, how is the production varying? It varies. It varies It because varies. of the climate, climate conditions. Yes. हम जब बोलते हैं ना climate controlled है हम climate से परे नहीं जैसे कि हम sunlight पे fight, dependent हैं. You can't fight. Fight नहीं कर सकते. सकते sunlight पे dependent है. Hmm. अब hmm. monsoon में sunlight नहीं होती. दस सात दिन दस दिन तक ऐसा कोई फेज hmm. आता है जब बीच में जब आपके पास सनलाइट ही नहीं है hmm. तो आपकी जो साइकिल है वो स्ट्रेच हो जाती है समझ गया ना सिमिलरली विंटर्स में आपका प्रोडक्शन बहुत शूट हो जाता है बाहर का ही क्लाइमेट अच्छा है समर में आपका सन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपका टिप टिपबर्न और ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं उसके अंदर सो आई से प्रोडक्शन इज वेरी कंसिस्टेंट एरे बट मोर ऑल एस टेन परसेंट वेरिएशन आपको मैनेज कर सकते हो उतना लेवल का प्रोडक्शन लेके आ सकते हो ये क्वांटिटी में डिफरेंस आता है कि क्वालिटी भी अफेक्ट होती है क्वालिटी भी अफेक्ट होती है आपकी right, right. कहीं लेवल तक आपके क्वालिटी भी अफेक्ट होते हैं क्वांटिटी भी अफेक्ट होते हैं mm -hmm. तो यू हैव टू बी रियली श्योर कि आपको किस टाइप का क्लाइमेटिक कंट्रोल क्या क्या बैठाना है ओवर mm सेल -hmm. भी नहीं करना है अंडर सेल भी नहीं करना अंडर परफॉर्म भी नहीं करना mm -hmm. आपको एक app technology वहां पे लानी है, okay. जो आपको हेल्प करे ये चीजें चीजेंट करने के लिए जो आप ये sell कर रहे हैं, मंडीज और बी टू सी में भी बेचते हैं काफी लाइक like हाँ. लाइक मैं समझना चाह रहा हूँ फॉर ग्रोअ स्टैंड पॉइंट मानो मैंने दो साल खेती कर लिया ना ऑम स्टार्टिंग टू डू वेल शुड आई स्टार्ट स्टार्टिंग दीज ऑन बोर्ड और शुड आई फोकस कि मैं अपना डी टू सी या बी टू सी ब्रांड बनाऊ जैसे आपने लॉकडाउन में किया था डिलीवरी सिस्टम बनाओ वट शुड बी द राइट रोड मैप फॉर मी जस्ट आउट थिंगउड सी मैं बनिया बन, मतलब हूँ अब वो बी टू बी हो या बी टू सी हो फर्क नहीं पड़ता है हाँ मतलब प्रॉफिट धंधा करो प्रॉफिट लेके आओ सिंपल फॉर्मूला है आपको बी टू सी में पैसा कमाने मिल रहा है अब बी टू सी में पैसे कमाओ जहाँ तक मैंने मेरा एक्सपीरियंस कहता है बी टू सी में लोगों ने बर्न ज़्यादा किया है कमाने से ज़्यादा अच्छा कंपनी ने कंपनीज है आप स्विगी देख क्यू? लो अच्छा हाँ जोमेटो तो देख लो सब बर्न मॉडल पर चल रहे है सारे बी टू सी मॉडल है या फिर ब्रांड्स ब्रांड डेवलप कर रहे हो आप और ब्रांड ऐसा नहीं है कि आज डेवलप हो गया तो डाउनफॉल नहीं आ सकता नहीं आ सकता है वो साइन वेव की तरह है आपने पुश करते गए फ्यूल डालते गए वो चलते रहेगा जिस दिन पैसा डालना बंद किया वो नीचे आएगा फिर पैसे डाले फिर बढ़ेगा फिर पैसे नहीं डाले फिर नीचे आ जाएगा सो इट्स कंटिन्यूस साइन वेव आपको कंटिन्यूअस फ्यूलिंग देनी पड़ती है एक ब्रांड डेवलप करने के लिए राइट right. तो मेरे हिसाब से पहले धंधा बनाओ बॉटम लाइन क्रिएट करो जो आपको इस फ्यूल के लिए हेल्प करती रहे और फिर ब्रांड पे जाओ दैट इज वॉट माई आइडिया ऑफ लोगों ने कहीं ज्यादा बी टू सी ब्रांड्स भी बनाए हैं अच्छे से बनाए हैं विदाउट फ्यूलिंग बट फिर आपके पास कुछ ऐसा डिफरेंसिएशन हो जो दुनिया से अलग हो राइट right. अब मेरे तजुर्बे में सब्जी सब्जी है hmm. मतलब ये मैंने बहुत एक एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा आ, जिस दिन लॉकडाउन हुआ था तो मैं गया था दादर मंडी में अपने लेटिव बेचने के लिए अच्छा तो वो मस्त रूट्स वूट्स टाई करके थैली में भर के मैं वो वेंडर को मिला बोलता है ये ले लेटेस्ट है हाइड्रोपोनिक उगाया मैंने रूट्स के साथ है इस तीन दिन तक टिकेगा बढ़िया आएगा तो बोला ठीक है दादा आ, कितने में बेचोगे बोला एक पीस बेचूंगा साठ रुपए में सर अच्छा बोलते सर साठ रुपए में किलो आता है आइसबर्ग क्या बात कर रहे हो आप एक पीस दे रहे हो कितना विंटर में गए थे नहीं नहीं ये तो बात थी फेबर मार्च अच्छा की बात थी मतलब ये मतलब साल हो गया था, को होना था, में गया था ये चीज़। hmm. बहुत बढ़िया है, न्यूट्रिशस है तो ही सेड सर चांद भी उगा के लेके आओ hmm. कोई फर्क नहीं पड़ता है लेटूस लेटूस होता है पत्ता गोभी पत्ता होता है बोला है सीधा बोला उसने मतलब जो आपके फेस है ना जो बेच रहा है वो बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा आप क्या उगा रहे हो मतलब इन शॉर्ट मुझे समझ में आया द तो बाइंग ट्रेंड्स बाइंग पैटर्न ऑफ पीपल रियली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस एंड द प्राइस अगर ये दो में आप टिक मार्क हो तो आपका माल हाइड्रोपोनिक हो कंट्रोल एनवायरमेंट हो ग्लोबल के आप सर्टिफाइड हो सब चलता है फिर बट ये दो पहले टिक होने चाहिए अगर ये दो पहले टिक नहीं है और आप बाकी के तीन चार पैरामीटर्स पुश करोगे तो कोई नहीं बिकने वाला क्वालिटी इसकी क्वालिटी एंड मनी

तो ये बेल पेपर खरीदूं तो मुझे तीन मिलेंगे ये खरीदूंगा तो दो मिलेंगे तो कौन सा खरीदना चाहिए तो सौ रुपए की वैल्यू के हिसाब से तीन मिल रहे वैल्यू mm -hmm. में कितना मिल रहा है सो आई से इंडिया इज अ वैल्यू सेंसिटिव मार्केट देन अ सेंसिटिव मार्केट आप कैसे रियलाइज करते हो अपने कस्टमर बेस को अपने ऑडियंस को मंडी like, से कंपेयर करो मंडी प्राइजेस अगर किसी भी चीज से अगर आप दस बीस टका प्रीमियम मांगोगे तो लोग देंगे उसकी क्वालिटी चेक करके पैकेजिंग चेक करके ट्रेसेबिलिटी देखकर जैसे मैंने बोला ना कि आपका अफोर्डेबल सेगमेंट बीस टका ऊपर इज अफोर्डेबल सेगमेंट और अगर क्वालिटी उससे बेहतर है तो लोग ट्वेंटी परसेंट प्राइस हाँ पे करेंगे सो कम्पेयर योर सेल विद मंडी क्योंकि मंडी में वो प्राइस उतने में मिल रही है तो आप कह रहे हैं Yes, we are affordable. How? क्योंकि एक और notion जो आता है कि hydroponic produce control environment वाला और तो महंगा है, महंगा बेचेगा वो image लोग की रहता है कि मेरा क्योंकि cost of input generally the thing is, is very high, high. Is high. It's not cheap. Produce कैसे बेच रहा Of course, economies of scale has a role, but so completely, So over here you answered it correctly. Economics of scale से हो पा रही है। इसलिए आपने start में कहा था कि जब 48 acres का produce अभी मेरी मेरी चार truck full load जाती है मुंबई। अगर मैं छोटे में होता तो मैं आधा ट्रक लोड भेजता मेरा पूरा कॉस्ट वे ट्रक लोड पे आ जाता मैं ऑटोमाइज कर सकता हूँ मेरा आज वेयर हाउस ऑपरेशन ऑटोमाइज है अच्छा वाह मतलब वो क्रेट्स ऑटोमेटिक मूव करते हैं आते हैं जाते हैं सारे मतलब कन्वेयर बेल्ट लगा दिए मैंने पैकिंग ऑटोमेटिक सीलिंग मशीन ऑटोमेटिक है तो मैं ये सब अफोर्ड कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्केल पे काम कर रहा हूँ तो एफिशिएंसी ला पा रहा हूँ एक तो और मैं ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर पा रहा हूँ लेसर प्राइसिंग सो स्टिकरिंग मशीन सारे ऑटोमेटिक कर दिए है

करेक्ट विजन से काम करो करेक्ट लोग क्या करते हैं एक एक एकड़ डालेंगे प्रॉफिट हुआ तो आगे करेंगे दूसरा एक साइड बिजनेस भी खोल के चलते हैं और एक एक में प्रॉफिट नहीं आया बोलते हाइड्रोफोनिक बकवास है कंट्रोल एन्वायरमेंट एग्रीकल्चर बकवास है इससे पैसे नहीं कमाने हुँ, मिलते एंड दे कैरी दैट नोशन अब चूंकि आपके दूसरा बोट चालू है तो आप ये बोट पे पैर पे नहीं रखा आपने तो प्रॉब्लम बोट मतलब बोट की नहीं है प्रॉब्लम आपकी है आप इस पर अगर पूरी तरह घुस जाओगे तो प्रॉपर चलती है हर बिजनेस चलता है

अदरवाइज छोटा मत करो जब हम चार एक मुझे याद है मैं गणेश और योगेश तीनों चार एकड़ की लैंड जो थी फ्लावर वाली फाइनल कर रहे थे मुझे कंसेप्ट इतना अच्छा लगा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का कि मतलब अगर सही में इन फ्यूचर फूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ने वाले हैं हंड्रेड तो वी वुड वांट के दिस कंपनी शुड हैव हंड्रेड एकर्स ऑफ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन तो जब मैंने ये बोला ना मेरे बाजू में ये आ, गणेश बैठा था और योगेश यहाँ बैठा था दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने लग गए बोलते चार एकड़ खड़ा नहीं किया सौ एकड़ की बातें कर रहा है एकड़ चलाना भी नहीं किया अब तक तो तो तभी चैलेंज बोलो या फिर अंदर एक बात रह गई कि नहीं अब तो करना ही है करके दिखाना, तो कर दिखाना है कि कर पाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है इट इज अ प्रोसेस टाइम लगती है किसी को पांच साल लगे किसी को दस साल लगे किसी को बीस साल लगे बट जब तक आपके पास एक विजन है

एंड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम आगे बढ़ाना है तो के के किलोमीटर में जो है, जो तीन एकर, चार एकड़ की लैंड लेके बैठे है उनके एक एक कन्वर्ट करने है इन टू कंट्रोल एनवायरमेंट एग्रीकल्चर ओके अब प्रॉब्लम होता है की इनको केपेक्स कहाँ से मिलेगा तो केपेक्स yes. के लिए हम गारंटर बनेंगे बैंक से लोन मिलेगा बैक टू बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफी सपोर्ट किया है बेसिकली अगर आप एक ही एक खेती करते हो तो एन आपको सब्सिडी देता है प्लस सीजी टी एस एम कवर भी आगे आ आजकल कोलेट्रल फ्री लोन तो वो भी आपको मिल जाता है इसके अंडर में अपार्ट फ्रॉम दैट ए आई एफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो आया हुआ है तो उसमें आपको थ्री परसेंट फोर परसेंट इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है फॉर प्रोटेक्टेड पोजिशन एग्रीकल्चर के लिए सो कंबाइनिंग ऑल ऑफ दिस एक एक तो कन्वर्ट हो जाएगा हो जाएगा दैट्स दैट्स योर लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म विजन अ सो मेरे आसपास के कम से कम 200 एकड़ वाले ऐसे 200 फार्मर पकड़ने हैं मुझे आसपास में जो जिनका मैं एक एकड़ डेढ़ एकड़ कन्वर्ट करू इन प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन उनसे प्रोड्यूस आए और मैं मार्केटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करके सेल करूँ उगाएंगे वही लोग उगाएंगे वही लोग सिखाएंगे उनको कैसे उगाना आप करेक्ट उसके लिए हमने क्या किया है अभी से अपना जो फैसिलिटी है वहां पे हमने एक लर्निंग सेंटर खोला है

अभी भी, लोग आते? अभी भी लो, काफी लोग आते हैं फार्म इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है, uh, हमारे आप, uh, आप, कर सकते है. Hmm. आप हमें पे आप कर सकते है पूरा का पूरा okay. आपको आना है पहले पढ़ना है वहाँ पे आपको पंद्रह दिन तक पहले पढ़ाई करनी है इट्स लाइक क्लास रूम पहले आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले लीजिए पूरा फिर आपको पंद्रह दिन में एक एग्जाम देनी पड़ेगी वो एग्जाम क्लियर किया इट्स एमसीक्यू फिर प्रॉपर एमसीक्यू अगर वो क्लियर किया तो आप फार्म में अंदर जा पाओगे आप हो, आपको पढ़ाई करनी है एग्रोनोम इस फील्ड में आना चाहते हैं इसको जानना चाहते हैं सो बेसिकली फिर आप पास होते हो फिर आपको पोलियोस के अंदर एंटर करने का मौका मिलता है एंड वंस यू एंटर इंटू दीस्ट बेसिक नॉलेज तो है आपके पास अंदर जाके क्या काम करना है मुझे समझ गया तो लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन बना लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन बना दिया तो बेसिकली इट इज अ क्लासरूम स्टडी प्लस अ प्रैक्टिकल स्टडी छः महीने का पूरा कोर्स होता है मिनिमम छः महीना वहीं पे रहना है आप बोलोगे मैं घर से काम करूंगा ऑनलाइन करूंगा वो सब वी डोंट एंटरटेन एट ऑल ऑनलाइन नहीं होता है ये एक बहुत बड़ा लोगों ने

बट आपने स्टार्टिंग में बोला कि आप एक्सपोर्ट भी करते हैं yes. बैंगलोर चेन्नई बेचते हैं मैंने जो सुना है कि शेल्फ लाइफ मैनेजमेंट ऑफ़ प्रोडक्ट्स इज जनरली हार्ड काफी वो yes. yes, 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 yes. uh, uh, बहुत valid... ही फ्रूटीज कर रहे हैं अच्छा yes, leafies, हाँ, बेल पेपर चेरी mm -hmm. टो ये सारी चीजें कर रहे हैं mm. uh, से

तो अच्छा। शाम को पांच बजे से लेकर आठ बजे तक पूना स्टेशन से चलती है अक्रॉस वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया हम उसी के थ्रू भेजते हैं एंड हार्वेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग क्योंकि मैं आशीष से जब बात कर रहा था लास्ट टाइम ही स्पोक अबाउट रोल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन सेल्फ लाइफ

जैसे आपका फ्रूट टेम्परेचर बढ़ता है hmm. तो आपकी शेल्फ लाइफ उतनी स्पीड से घटती है सो hmm. so, आप जितने ठंडे मौसम में ये क्रॉप निकाल दोगे तो उतना उसका ठंडापन या फिर शेल्फ लाइफ लंबी टिकती है understood, कोई भी क्रॉप की जैसे ही वो आता है अच्छा हमने अब तक अपने पूरे चैनल में कोल्ड चेन नहीं बैठा है क्या बात करें नो वी वी डोंट हैव हैव कोल्ड चेन दैट्स द बिगेस्ट थिंग दैट राइट नाउ कि अभी बताता हूँ मैं क्यों कारण क्या है द प्रॉब्लम

तो हम लोग करते हैं कि उसको नौ बजे अगर हार्वेस्ट कर दिया है उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर उसको अंदर रखेंगे हम लोग ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम वो थ्री ओ क्लाक को पैकिंग करके पूरे वेयरहाउस के अंदर वो रेडी हो जाता है एम्बियन टेम्परेचर होता है ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट थर्टी डिग्रीज का टेम्परेचर होता है वो अंदर वेयर हाउस के अंदर में एंड फिर शाम हमारे जितने भी व्हीकल्स निकलते हैं वो शाम को पांच बजे के बाद निकलते हैं सो दोपहर के टाइम पे हमारे कोई भी व्हीकल्स ट्रैवल नहीं करते

और एक प्रॉब्लम हो रहा था कि कोल्ड चेन नहीं रखने का हमारे जो वेयर हाउस के हेड है बोलते प्रोड्यूस बच जाते हैं रात को रखने पड़ते हैं अगले दिन यूज होते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस ये था कि क्या उस वेजिटेबल की कीमत अगले दिन बढ़ने वाली है बोलते नहीं तो आप डिप्रीशिएटिंग एसेट को स्टोर क्यों करोगे लिक्विडेट कर दो सो टिल हमारा कोई भी प्रोड्यूस जो रात को बच जाता है वो मंडी प्राइस पे हम बेच देते हैं हम रखते ही नहीं है क्या क्लियर कर देते क्लियर वेयर हाउस इज क्लियर बाय नाइट डेली का प्रैक्टिस डेली का कोई प्रोड्यूस कल बेचेंगे करना ही नहीं है आज है आज ही निकालना है हुँ, हुँ. अभी क्या होता है कोल्ड रूम होता है अगर समझो कोल्ड रूम पड़ा है हुँ. तो मेरे सेल्स वाला बोलेगा कोल्ड रूम है ना आज डाल दे कल बेचूंगा हुँ. आज डाल दे वो आज का काम कल पे ढकेलता है क्योंकि आप एक दिन से दो दिन से शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हो पब्लिक लेथार्जिक हो जाती है आज माल निकला है माल आज ही बिकना चाहिए नहीं बिक रहा है मंडी में जाएगा बट आज ही बिकेगा मंडी पे मिल जाता है हमेशा। तो है आपका, निकल जाता है आपका। हुँ, हुँ, हुँ. तो हमारा कोशिश है रहता है कि हम कम से कम मंडी में बेचे सेफ जोन। सेफ जोन। लास्ट में जो भी बचा मंडी में डाल दो कभी नहीं होना चाहिए जैसे आप करते हो या तो आप लथर्जी को जाते हो या तो इसकी प्रोडक्ट की वैल्यू आप घटा देते हो तो आपने कोल्ड चेन में एकदम ही इन्वेस्ट नहीं किया मैं एक और चीज पढ़ रहा था आपके वेबसाइट पे कि आप आरओ वाटर सिस्टम्स से काम करते हैं यस यस इजंट दैट अ वेरी कॉस्टली अफेयर वन टाइम कॉस्ट है यस वन टाइम कॉस्ट है हाँ होता क्या जो आपका पानी का सोर्स होता हुँ. है ना कंसिस्टेंट नहीं रहता जैसे हम जो पानी कर या तो बोरवेल से या तो डैम से या तो वेल से हम पानी पिकअप करते हैं हर एक पानी में पैथोजंस जर्म्स और उसके अंदर के सॉल्ट अलग अलग होते हैं आप hmm. जहां से उठा रहे हो उस पर डिपेंड सोर्स पे डिपेंड करता है बट आपको जो क्रॉप है क्रॉप को जो पानी देना है और न्यूट्रिय देना है वो प्रिसीजन देना है प्रिसाइज देना है टू द पॉइंट टू द पॉइंट देना है तो हम क्या करते हैं बेसिकली जो पानी लेते हैं उसमें से ये जो प्री फील्ड मिनरल्स विटामिन सॉल्ट सब कुछ अच्छे हो बुरे हो सब hmm. साफ कर देते हैं अच्छे भी क्योंकि आर में तो आइडेंटिफाई नहीं होता ना hmm. 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 आपका सब कुछ साफ हो जाता है इट ओनली रिमेन्स एच टू ओ

उतना आपका मेम्ब्रेन फास्ट खराब होता है आपको Achha. उतने हाई क्वालिटी का आर ओ चाहिए फिर हम वाटर टेस्टिंग तब करते हैं टू टू असेस असेस दैट कितने मेम्ब्रेन है, हमें। hmm. for, for दूसरा एक होता है कुछ पैथोजें ऐसे होते हैं जो आर ओ से भी प्योरीफाई नहीं होते Achha. तो वो पैथोजेंस कैसे प्योरीफाई ट्रीटमेंट चाहिए

उसी पे चल दो वर्ड पे वापस था क्योंकि सी एट द एंड ऑफ द डे आप जिसको माल बेच रहे हो hmm. या जो एंड कंज्यूमर है उसको नहीं फर्क पड़ता कि ये कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है क्या हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे इट विल बॉइल डाउन टू प्राइसिंग ओनली वैल्यू सेंसिटिव मार्केट है ये hmm. तो आप अपनी कॉस्ट कितनी कम लेके आ सकते हो कीपिंग क्वालिटी एज द प्राइम फोकस हंड्रेड परसेंट तो वो आपको मार्केट में डिफ्रेंशिएट करेगा hmm. अदर देन दैट बहुत सारे डिफ्रेंशिएटर्स है जैसे कि आप उसको कटिंग चॉपिंग करो कट वेजिटेबल्स देंगे उसको सैलड बना के देंगे बट ऑल दो रिवॉल्व अराउंड वेरी नीच मार्केट्स आपको अगर नीच मार्केट में खेलना है तो आपके पास बहुत सारे तरीके कि आप यार एक बेल पेपर लो उसको मस्त रिबिन डाल के दे दो चलो एक बैल पेपर दे दिया उसको आप hmm. दो सौ रुपये में एक बेल पेपर बेचो कर सकते हैं ऐसे लोग भी है जो खरीदेंगे वो चीज भी क्योंकि उनको वैल्यू दिखेगी उसमें नीश उतनी। तो आप नीच मार्केट केटर करोगे अगर आपको नीच मार्केट में केटर करना है तो आपके पास चार पांच चीजें हैं कट वेजिटेबल्स दो सालेट दो सैलेड पैकेजिंग अच्छा जैसे करके मुझे मुझे, तो, मुझे वो बड़ा सपना नहीं देखा है अपने लेवल में तीस लाख करोड़ जो भी कमाना है तो उसके लिए आपके लिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कुड भी नॉर्मल वेजिटेबल के अलावा आप उसको मिक्स सैलेड्स दो आप उसको एक वैल्यू एडिशन दो आप उसके साथ उसका डिप्स बेचो

आपकी ऑडियंस क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अगर नीच मार्केट को ही कैटर कर रहा हूं तो मेरे लिए फिर मैं एक एक में भी करोड़ों इनकम कर सकता हूँ उस लेवल के कैटेगरी के लोगों को टैप कर रहा हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रेड और येलो बेल पेपर तो बहुत देखे रहेंगे नहीं, नहीं। अब मुझे नीच कैटेगरी को जाना है मैं पर्पल बेल पेपर उगाऊंगा मैं व्हाइट पेपर उगाऊंगा जस्ट एन मैं ऑरेंज है, है भी? है हमारे फार्म में उग रहे पर्पल पर्पल बेल पेपर व्हाइट बेल पेपर ऑरेंज बेल पेपर अच्छा यस yes. मैंने तो कभी नहीं देखा हाँ। अब वो एक -एक किलो चार सौ रूपये हम लोग बेचते हैं हम लोग हमने एक लाइन लगाई थी ऑरेंज की जस्ट टेस्ट करने के लिए कैसा आता है उगता भी है ऑरेंज तो उगता है कॉमन हाँ, पर्पल भी उगाया था हमने व्हाइट भी व्हाइट भी उगाया था वाइट नहीं उग पाया वैसे तो पर्पल उग गया था ठीक है तो हमने वो भी उगा के बेचा है मार्केट में बट वो जाता है तीन सौ चार सौ रूपए में बट आप अगर दिन के दो टन ये बेच पाओगे तो वो पचास किलो भी नहीं बेच बिकेगा बट वो पचास किलो चार सौ रुपये में बिकेगा और ये दो टन सौ रुपये में बिकेगा तो hmm. अब कौन सी मार्केट को कैटर करना है आपको देखना है राइट 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 अंडरस्टूड मूविंग अहेड विध आपकी विजन क्या है आई थिंक फ्यू प्रॉब्लम्स जो मैं देख रहा हूँ नॉट जस्ट इन द इंडस्ट्री को जो फेस होने वाले मेरे हिसाब से क्लाइमेट चेंज बिंग वन ऑफ देम डेफिनेटली अभी आप बैंगलोर आए हो बैंगलोर का पानी का हाल सुन रहे हो ग्राउंड है, correct. ये, है, वो है. आपका है right? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा एक्चुअली आपने कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ कैसे काम कर mm -hmm. mm -hmm. पहली चीज जो हम कर रहे हैं कि जनरली जो फ्रूटी वेजिटेबल्स होते हैं ना mm. वहाँ पे आपका पानी जो एक बार गया वो गया वो, गया, वो रिटर्न बैक नहीं होता है

Hmm. उसको मेन टैंक में डालते हैं उसमें कितना ईसी और पी का डिफरेंट हुआ है उतना टॉप अप करते हैं और पानी हम फिर से यूज करते हैं hmm, hmm, hmm. हम फोर्टी परसेंट में सेव कर रहे हैं सॉल्ट में सेव कर रहे हैं आज wow. क्योंकि हमने रिवर्सिबल सिस्टम यूज किया है सेम चेरी टमेटो में सबस्ट्रेट में भी रिवर्सिबल सिम हो सकती है Is that one of its kind? आई थिंक सो येस इट्स वन ऑफ इट्स कंट्री हम मैंने तो कहीं देखा नहीं आज तक कि रिवर्सबल सिस्टम यूज करते हो हाँ नीदरलैंड में देखा था मैंने एक फार्म में बेल पेपर्स को लोग यूज करते थे इस तरीके से अच्छा सबस्टेट बेस्ड में तो इंडिया में तो कोकोपीट में हमने पहली बार किया है रिजल्ट कैसे अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मतलब हमने जितना सबस्टेट बेस में जहाँ पे ड्रिप टू वेस्ट वाला था उससे फोर्टी परसेंट कम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं और पानी की भी उतनी बचत हो रही है So, this is one thing जो sustainability की तरफ हम जाने का प्रयास कर रहे हैं कर रहे थोड़ा टेक्निकल भी होगा कि पोलियोस की हाइट आप जितनी बढ़ाते हो तो उतना टेम्परेचर अंदर कंड रहता है प्लांट्स के लिए राइट right. करेक्ट तो हम लोग ने क्लाइमेट को ठंडा रखने के लिए पोलियोस की हाइट बढ़ा दी है That's ताकि का इस्तेमाल कम करना पड़े हाइट बढ़ाने से वेंटिलेशन ज्यादा हो हो जाता है एंड uh, आपका टेम्परेचर कंड्यूसिव रहता है क्रॉप्स के लिए क्या हाइट so, होता है कैन आई आस्क जनरली 4.2 मीटर्स अ 4.5 मीटर्स अ गटराइट होता है हमने है। 6 मीटर्स रखा है ओके 5.5 टू 6 मीटर्स तक गए हम लोग हाइट में ताकि वो एरेशन उतना मिलता रहे उनको एंड ओवरसेल uh, नहीं की कोई भी टेक्नोलॉजी चाहे लोगों ने तो कई सारे टेक्नोलॉजी आके बेचने की कोशिश की थी थीटरेबल हु. रूफ रिट्रैचेबल रूफ सिस्टम डालो ये सब करो मूविंग गली सिस्टम करो बट जो चीजें अफोर्डेबल सेगमेंट में हो सकती है और जिससे एक्चुअली में फायदा है हु. वो चीजें लगाते हैं जो सस्टेनेबल हो राइट ना कि बस टेक्नोलॉजी अच्छी लगी तो प्रॉब्लम ढूंढने जाओ कि ये कौन से प्रॉब्लम सोल्व करेजी हाँ मतलब प्रॉब्लम ढूंढो फिर उसका टेक्नोलॉजी ढूंढो आजकल हो उल्टा रहा है कि टेक्नोलॉजी मिली है ना तो अब ये कौन से प्रॉब्लम सोल्व है लोग वो सोल्यूशन निकालते हैं राइट सो so, वैसा मत करो जेन्यन प्रॉब्लम ढूंढो और उसके सोल्यूशन क्या मार्केट में अवेलेबल है वो देखो एंड उसी तरीके से हम लोग सस्टेनेबल बनना चाहते हैं एंड आई सस्टेनेबिलिटी कोई स्टेज नहीं है कि मैंने अचीव कर ली

आपने अभी तक लगे यू नो काफ़ी वैलिडेशन मिला है आपको रिकग्नाइज माई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे लोग यू नो अप्रीशिएट करें सजेस्ट सिचुएशन आपकी जो विजन बड़ी है हाउ डू यू कीप यर सेल्फ गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू कंक्लूड ऑन दिस की एज एन ऑन्ट्रिनर एस्पायरिंग ऑन्टप्रिनर स्टार्टअप फाउंडर वॉट इज द की टू कीप माई मोटिवेशन हाई एंड कीप गोइंग मैं बढ़ते कैसे रहूँ आगे ओके uh, okay. अब ये है ना एक्चुअली बहुत लोगों ने पूछा है कि आप hmm. क्या मोटिवेट करता है इतनी कि सस्टेन कर लाइफ अभी hmm. अभी मतलब ऐसे कोई जो करंट है hmm. इतनी इनकम है कि वो चलती रहे तो भी चल जाएगा प्रॉब्लम hmm. नहीं है बट यू नो जब सात तारीख होती है और जब अकाउंट से तीन दो सौ अस्सी लोग को पगार जाते हैं hmm. वो जो खुशी मिलती है ना मैं हर सात तारीख को लेना चाहता हूँ एंड दैट वॉट कीप्स मी ड्राइविंग करेक्ट मतलब गुड फॉर दीपल मैं ये नहीं कि अब अब लोग कई बार देखते जाते हैं चैरिटी की बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी mm -hmm. बातें कर रहा है बट जेन्यूली जब वो सात तारीख को जब मैसेज आता ना कि इतने घर इतने को आप पे डिपेंडेंट है या इतने घर mm -hmm. आपके एक डिसीजन पे आगे पीछे हो सकते हैं mm -hmm. तो दैट गिवस यूर काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो मोर एंड डू मच बेटर ताकि लोग आपको जाने पहचाने mm -hmm. और mm -hmm. आप एक आप एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जियो दैट इज वॉट नो यू फॉर गुड पीपल शुड नो यू फॉर गुड मतलब लाइफ में आप कुछ अच्छा करके mm -hmm. जाओगे दैट इज वॉट इज ड्राइविंग मी एवरी डे टू ग्रो आपने जैसे पूछा कि क्या करना है अब मैंने एक रेजिस में तो आपने एक बोल दिया फाइनेंशियल कर mm -hmm. दिया कि मैं इस पॉइंट पे पॉइंट एट एक्स आ जाऊंगा बट वेन यू सेड कि सेडन्य क्या है तो मुझे दस हजार परिवार देखने मतलब मेरा ये विजन होगा तो वो दस mm हजार -hmm. परिवार तक कैसे पहुंचूंगा तो वो इस तरीके से पहुंच पाऊंगा दैट इज हाउ द विजन Mm -hmm. मेरा मतलब मेरे दो सौ अस्सी परिवार के लोग काम कर रहे हैं तब मैं यहाँ बैठा हूं आपके साथ. Mm -hmm. तब मैं चैन से आपसे बात कर पा रहा हूँ exactly. so, आज वो ट्रस्ट फैक्टर है एक दूसरे टीम के ऊपर mm -hmm. और हमारी एक्चुअली जो इटरेशन रेट है ना जो लोग आते हैं चले जी, जाते हैं तो वो जो